अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक एवरीवन। ईद का तीसरा रोज़ है और स्पेशल एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में नम्रा तारिक हाजिर हूँ और मेरे साथ हैं जी हसन लियाकत। आप सबको मेरी तरफ से एवीएन न्यूज़ की जानिब से ईद मुबारक हो। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में मैं और निम्रा आपके साथ मौजूद हैं एक बार फिर से। दो दिन का इतना तवील सफर हमने तय कर लिया। जस्ट किडिंग गाइस, बहुत मजे का सफर रहा, बहुत अच्छे एपिसोड रहे हमारे ईद के। एंड आई होप सो कि आप सबकी ईद भी अच्छी रही होगी। हमारी ईद इसलिए अच्छी रही क्योंकि हम उसका आगाज, दिन का आगाज आप लोगों के साथ लेते रहे। और हमारा तो आपको पता है हसनैन, जो हमारे व्यूअर्स के साथ रिश्ता होता है, दैट्स वेरी डेली रूटीन का रिश्ता है, हमें आना पड़ता है। और उसी की वजह से ईद हो चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, चाहे बहुत ज्यादा गर्मी हो चाहे सर्दी हो, पूरे पाकिस्तान में अगर छुट्टी होती है तो भी मीडिया पर्सन जो होते हैं, खैर वो पूरी दुनिया में, वो फिर भी अपने व्यूअर्स के लिए आते हैं नो मैटर व्हाट। सो ये एक ब्यूटीफुल रिश्ता होता है और इस खूबसूरत रिश्ते की वजह से ही हमारे जो इवेंट्स, हमारे जो त्यौहार होते हैं वो ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। आई थिंक वैसे आज तीसरा दिन है, गोश्त वगैरह आपने खाया? गोश्त वगैरह खा लिया आपने? खाया तो आपको देख के लगता नहीं है। तो वो क्या एक ही दिन में थोड़ी लग रहा है वो, मतलब मैं हिसाब का खा, इत्तदाल। हमने पहले रोज प्रोग्राम में बात की थी कि इत्तदाल पसंदी के साथ चलना है, गोश्त को खाना है, गोश्त को खुद को खाने नहीं देना। अच्छा अच्छा, हाँ। तो इसलिए मैं ख्याल रख रही हूँ अपनी सेहत का साथ ना, इसलिए वैसे ईद पे लोग भूल जाते हैं ना कि इत्तेदाल पसंदी भूल जाते हैं लोग, कहते हैं कि इसीलिए मीडिया का काम एजुकेट करना है, जो है वो खत्म कर दें। मीडिया का काम एजुकेट करना है, इसलिए हम लोगों ने एजुकेट कर दिया था, फिर मैंने खुद भी अमल किया उस पे। आपने खाया? आपको देख के लग रहा है अगर मैं आप ऐसे थोड़ा बहुत खा लेता हूं, थोड़ा बहुत, अच्छा थोड़ा भी बहुत पे ये हालात है, सोचिए आपने ज्यादा खा लिया तो क्या होगा। खैर जी, तीसरा दिन है ईद का और वैसे आई बिलीव हसनैन के अभी तक तो ज्यादातर लोगों के जानवर वगैरह कट चुके होंगे, अब तो लोग ट्रैवलिंग पे होंगे, कुछ का ससुराल डे चल रहा होगा। एग्जैक्टली, आज तो बहुत सारे भाइयों का ससुराल डे है और लड़कियों का मेका डे है। मेका डे है एग्जैक्टली, और ये एंजॉयमेंट होती है। वेरी नाइस यार, बड़ी अच्छी बेगम है आपकी, अल्लाह ताला ऐसी बेगमात सबको दे। और ईद आई होप सो कि आप सब अच्छी तरह से गुजार रहे होंगे, अपने जानवर वगैरह ज़िबा कर चुके होंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक ज़िबा नहीं किए तो ढूंढे कोई जल्दी से कसाई वगैरह, क्योंकि आज आखिरी दिन है, आज भी इसको डिले नहीं करना है। हम अभी आगे आज अगर कसाई ना मिला तो फिर नहीं मिले। सही बात है वैसे, है ना। अक्सर वैसे मैं ये फिर उसको अगले साल के लिए संभाल कर रखती हूं, अगले साल के लिए। मैं अक्सर ये सोचती हूं जब कभी हम मंडी में जाते हैं ना, तो लास्ट बिल्कुल जब मोमेंट्स होते हैं तो कुछ ना कुछ जानवर वहाँ पे बंधे होते हैं, फिर मैं सोचती हूँ यार ये जानवर ये वाले कसाई वगैरह जो वापस ले जाते हैं। मेरा ख्याल है कि वो कम रेट्स पे दे देते हैं, ठीक है जी। फिर भी कुछ ना कुछ आपको मार्केट कम हो जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो काम यही करते हैं तो वापस उनको अपने फॉर्म ऑफिसर्स वगैरह में ले जाते हैं, फॉर्म पे ले किसी और शक्ल में उनको बेच देते होंगे। अच्छा, फिर मैं वैसे ही ओवरथिंक कर रही थी, आई जस्ट गॉट वरीड अबाउट देम। गेस्ट कैंट्रो करवा दें, गेस्ट कैंट्रो करवा देते हैं, आप हुक्म करें, आप कराएं बल्कि। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है नूर आलम साहब, आर्टिस्ट हैं लेकिन इनको खान साहब कहते हैं। खान साहब, खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच जी। नूर खान नाम है मेरा, जूनियर खान मुझे कहते हैं, नूर आलम नहीं, जूनियर खान। जूनियर खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि किस तरह यहाँ पे ये मौजूद हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं शुमाइला सिद्दीकी। शुमाइला, वेरी वार्म वेलकम, ईद मुबारक आपको भी। खान साहब, आपने तो ईद मुबारक कही, आपको ईद मुबारक हो, पूरी कौम को ईद मुबारक हो। क्या बात है, पूरी कौम को। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है फैसल इरफान, फैसल ट्रेनर भी हैं, आरजे भी हैं। फैसल, आपको भी ईद मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। तो आज रियल एसेंस मिल रही है ईद की, इतने अच्छे चेहरे, इतने प्यारे होस्ट, इतने प्यारे गेस्ट हमारे साथ हैं, इससे रियल फीलिंग कि आज एग्जैक्टली जो ना वो ईद का मजा हो, इतने प्यारे खाने। सिर्फ ये कहा है इतनी अच्छी गेस्ट हमारे साथ, आप खान साहब मैंने कहा इतने अच्छे गेस्ट, क्या आप डर रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया तो कुछ गलत ना हो जाए? नहीं, नॉट एट ऑल, सबको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी, और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ओह थैंक यू, थैंक यू, हमेशा की तरह। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये आपने फेमिनिज्म का ख्याल रखते हैं, अच्छा ये हसनैन समझ गए, ये मैंने आपको इनकी वजह से कह दिया। हसनैन, ये तो वैसी बातें करते हैं, खान साहब जो गोश्त खाता है पूरे पाकिस्तान में जैसा कोई गोश्त नहीं खाता। खान साहब जो भागता है वो भी पूरे पाकिस्तान में, हाँ वो जो चढ़ता भी है और भागता भी है, और अडियाला जेल भी मैं पहुंच गया हूँ। एक्सरसाइज ये जो है ना, यहाँ पे लोग गोश्त खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, फौरन सो जाते हैं ना। गोश्त का मतलब है कि आप गोश्त खाएं, बेशक आप बहुत ज्यादा खाएं, मगर इसके साथ मस्ट है आप एक्सरसाइज करें, चाहे आप कमरे के अंदर हो या चाहे पहाड़ों पे चले। बल्कि खान साहब उसके ऊपर हवाले से बात करते हैं। शुमाइला, आपकी ईद कैसी गुजरी? आज ईद का तीसरा दिन है, क्या कुछ किया आपने इन दो दिनों में और आज के क्या प्लान्स हैं?
दो दिन तो बहुत मसरूफ थे, कुर्बानी, गोश्त, रिश्तेदार, सब कुछ एक साथ हो रहा होता है, तैयार भी होना होता है साथ में, क्योंकि ईद का एसेंस ही वही होता है कि जब आप तैयार होकर काम करते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल भी होता है। एक तरफ आप तैयार हुए हुए हैं और साथ साथ काम भी कर रहे हैं, फिर लोग भी आ रहे हैं, कलेजी बनती है, वो तो ट्रेडिशन भी है, सुन्नत भी है, और फिर दावतें चल रही होती हैं। तो आज जरा थोड़ा सा रिलैक्स डे है हमारा, और आज माशाल्लाह से हम लोग आप लोगों के साथ ईद मना रहे हैं। क्या क्या पका लिया अभी तक? काफ़ी कुछ बनाया, यखनी पुलाव बनाया था, और कलेजी तो बनती ही है ज़ाहिर है, और उसके अलावा दही बड़े थे, चाट थी, थोड़ा बारबेक्यू हम लोगों ने रात में कर लिया, फैमिली सारी इकट्ठी हो गई थी तो बारबेक्यू कर लिया था। तो वो यही होता है कि माशाल्लाह इतना बांटने के बावजूद भी बहन भाई सब आप उसमें फैमिली के साथ जब मिलके बैठते हैं तो असल ईद वही होती है, और वैसे भी बैठ रहे होते हैं लेकिन ईद पे एक अलग ही मज़ा होता है, कोई शक नहीं। अच्छा, उसने कभी आपने वैसे फ्राइड गोश्त, फ्राइड बीफ ट्राई किया? पता नहीं, शायद किया हो। इट्स जस्ट लाइक कि आप सब गोश्त ना यार, ये तो पूछने वाली बात है। इट्स जस्ट लाइक यू हैव दैट मीट, वो ऑलरेडी बहुत टेंडर होता है, और आप उसमें जो भी आपके पास मसाले वगैरह बहुत अच्छे किस्म के वो डालो एंड वो रेडी है। ईद पे तो आप सब कुछ ट्राई, डिफरेंट तरह का ना। वो फ्राइड गोश्त मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों, आउट ऑफ ऑल ऑफ द डिशेस दैट वी मेक या कुक करते हम जो, चलें वो आपसे एक रेसिपी लेनी पड़ेगी जरूर जरूर। अच्छा, शुमैला से ये भी पूछ लीजिए कि शुमैला, क्योंकि आप सोशल वर्कर भी हैं, काफी ज्यादा एक्टिव भी रहती हैं, तो कुकिंग का खुद भी शौक है आपको? बिल्कुल है, बहुत ज्यादा शौक है। और वैसे टाइम नहीं था पहले, हमारे माजरत के साथ जो भी गेस्ट आते रहे उनमें से किसी को भी कुकिंग का शौक नहीं। मुझे बहुत शौक है, मुझे बल्कि मौका चाहिए होता है, स्पेशली जब मैं खाना बनाती हूँ। हालांकि मैंने ही सिखाया है जो मेरा कुक है उसको, लेकिन जिस दिन मैं खाना बनाती हूँ मेरे बच्चे फौरन कह देते हैं आज मामा ने बनाया, उनको फौरन आइडिया हो जाता है कि आज टेस्ट डिफरेंट है, उनको फौरन पता चल जाता है। तो टाइम रूटीन लाइफ में कम मिल रहा होता है, लेकिन जब भी मिल रहा होता है कि कोशिश होती है कि खुद पकाऊं खाना। ईद वाले दिन ये प्रैक्टिस भी होती है? ईद वाले दिन तो बिल्कुल मैं बनाती हूँ खाना, क्योंकि वो मुझे होता है कि मेहमानों ने आना है और उनको बहुत अच्छा टेस्ट भी चाहिए, और सारा टेस्ट वाली ईद है ये ना, टेस्टफुल ईद है। पहले तो रमजान हमारे गुजरते हैं पिछली ईद पे, फिर उसके बाद हमारी एक ईद, वो तो मीठी ईद होती है, हम जरा सेवैयां और चीजें खाते हैं, इसमें गोश्त भी ऐड ऑन हो जाता है, तो जरा होता है कि वैरायटी ऑफ गोश्त होना चाहिए। हमारे पास मौजूद है क्या चीज इसमें, मेन कोर्सेज हमारे पास ज्यादा, मेन कोर्सेज हमारे पास ज्यादा हो जाते हैं, हालांकि प्रॉपर खाना बनता है, बट इसमें एक अलग टेस्ट होता है ना। बकरीद का जरा गोश्त होता है, मीट है, फिर आपका बकरे का भी गोश्त होता है, फिर आपकी डिफरेंट डिशेस बन रही होती है, तो मजा आता है। बीफ मटन सब मिक्स, बीफ मटन सब। फैसल, आप तो बड़ा केयरफुल होके खाते होंगे जो कुछ भी खाते हैं। देखिए जी, ये फिटनेस ट्रेनर की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेट्स, आप कह सकते हैं इट्स अ ब्लेसिंग एज वेल, कि जितना मर्जी खाओ, जो मर्जी खाओ, यू जस्ट वॉन्ट टू नो कि हाउ टू बर्न इट। हाँ। वो गालिब का कहना था ना कि आम में दो बातें होनी चाहिए, आम मीठा हो और बहुत हो। Yes. तो ईद के हवाले से हम कहते हैं कि गोश्त हो और बहुत हो, सो कोई टेंशन नहीं है, आप जितना मर्जी खाएं, ऑल यू नीड टू नो कि हाउ टू बर्न, बिल्कुल बिल्कुल, हाउ टू बर्न इट, हाउ टू कंज्यूम इट, हाउ टू यू नो यूटिलाइज इट फॉर योर बॉडी। तो अगर वो डंप होता रहेगा बॉडी में तो डेफिनेटली इट्स बॉडी अब्सॉर्ब भी तो कर रही हो ना। एग्जैक्टली, वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह या जो कुछ भी आपको मिल रहा होता है उसकी, आपका खैर कुछ भी खा रहे हैं जी, तो आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब होना बहुत लाजमी होता है, वरना तो फिर वो जंक ही होता है। तो ये होता है, आप बस खाएं जितना मर्जी खाएं, लेकिन एक्सरसाइज इज अ मस्ट, बहुत जरूरी है। और ज्यादातर लोग नहीं करते एक्सरसाइज, बिल्कुल, मतलब रूटीन खत्म होती जा रही है, खासतौर पे ईद पे। एक तो हम लोग लगातार खा रहे होते हैं, और फिर ऊपर से हम लोग रेस्ट के चक्कर में होते हैं कि भाई अभी ऑफिस है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जो कुछ भी है, सो रेस्ट के चक्कर में वो बहुत ज्यादा नुकसान। हॉलीडेज हैं, वेकेशंस हैं, सो लेट्स गो ओवर इट, कर लेंगे। ईद डेज आर चीट डेज, तो ये बताएं लोगों को कि ये कितना बड़ा मसला है। एग्जैक्टली जी, बहुत बड़ा मसला है ये, जब एडवर्स इफेक्ट होता है ना तब पता चलता है कि कितना बड़ा मसला है। बिकॉज आपने देखा है कि सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स में जो तादाद होती है ना, वो उन लोगों की होती है जो ओवर ईटिंग करके पहुंचते हैं ड्यूरिंग द ईद डेज, ओबेसिटी ज्यादा होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो आप डेफिनेटली खाएं, लेकिन उस लिमिट का खाएं कि आपको पता हो कि आप इतना एब्जॉर्ब कर सकते हैं। साहब, इससे पहले कि हम शुमैला की तरफ चलें ना, एक ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि एक जगह है जहाँ पे आपने सिर्फ, आपके पास एक जहाज है, उसमें अपने अलावा एक बंदे को बैठा सकते हैं। अच्छा, और दो शख्स वहाँ पे मौजूद हैं, एक नवाज शरीफ और एक फजल रहमान, तो आप किसको रेस्क्यू करेंगे? फजल रहमान को मैं करूँगा। फजल रहमान को भींगे, वो इस्लामी वो है ना, इत्तेहादी है ना, इत्तेहादी है, इत्तेहादी हो गए एक तरह से, अब इत्तेहादी एक तरह से, पहले तो कुछ और हुआ करते थे, कुछ और हो तो बहरहाल अब उन बातों को ना चले, वो जो है ना वो खतरनाक बात है। अच्छा शुमैला, ईद के दिनों में आप ये बताइएगा कि सोशल एक्टिविटीज किस तरह मैनेज करती हैं, क्योंकि काफी ज्यादा सोशल लाइफ में आप बिजी रहती हैं, सोशल एक्टिविटीज भी करती हैं, डिफरेंट जगहों पे जाती हैं, लेकिन ईद के दिनों में किस तरह मैनेज होता है, क्योंकि फैमिली भी होती है, कुकिंग भी होती है, फिर आपने जानवर भी
खैर खुद ही लाने होते हैं, उसकी देखभाल भी करनी होती है, बच्चे भी हैं। अच्छा, ईद के ही दिनों में ज़्यादा ज़रूरत होती है उन लोगों को जिनकी फैमिलीज नहीं है या जो साहिब इस्तेआत नहीं है, उनको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। ईद से पहले ही इस चीज़ को स्टार्ट कर लिया जाता है। जैसे मेरी तो फैमिली में माशाल्लाह से हम सारी बहनें, पांचों बहनें और माशाल्लाह हम सात बहन भाई हैं, तो हम मिलके एक मदरसा चला रहे हैं। मदरसा इट्स काइंड ऑफ एक ऑर्फनेज है टेक्सला में, जहाँ पर माशाल्लाह 62 बच्चियाँ वहाँ तालीम पा रही हैं और सारे हम लोग बहन भाई और बचपन के जो अब्बू के दोस्तों की बेटियां, मतलब वो एक फैमिली का हिस्सा जो बन जाते हैं सारे, वही हम लोगों ने कोलैबोरेशन से एक अपना एक अपनी मदद आपके तहत उसको चला रहे हैं। और उसका मकसद ये होता है कि ब्रिंग अ स्माइल ऑन देयर फेस ना, उनके चेहरों पे खुशी लाना, ताजगी लेकर आना। उसमें से बहुत सारे ऐसे ऑर्फन हैं जिनके आगे पीछे वाकई कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल ही ऐसे ही, या तो पेरेंट्स उनके मर गए या उनके पास कुछ इतने पैसे नहीं थे। कुछ ऐसे बच्चियाँ भी आई जिनके पेरेंट्स ने उनको बेच दिया और वो हमारे उस दायरे में आए, और माशाल्लाह से फिर हमारी कोशिश ये होती है कि ईद आने से पहले ही उसके ऊपर एक वर्किंग स्टार्ट हो जाती है कि उन बच्चों के कपड़े, जूते, उनके पास राशन, फिर उनको भी वही खाना पहुंचे जैसे हम खा रहे हैं। अगर मेरे ख्याल से आप हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, हमारा कोई कमाल नहीं है इसके अंदर, लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ को पे बैक भी करना है। अगर हमारे पास अच्छी चीज़ आ रही है, तो वैसे भी यही कहते हैं, ईद तो सिखाती भी आपको कुर्बानी है, तो कुर्बानी का मकसद ये है कि जो चीज़ आपको अपने लिए पसंद है वही चीज़ आप दूसरों के लिए खुशी भी होती है और इनर सेटिस्फेक्शन है ना, आपको इतनी सेटिस्फेक्शन होती है कि आप जैसे अपने बच्चों को फीड करके, बच्चों को खिला के सेटिस्फाई होते हैं, इसी तरह हमें होता है कि उधर बच्चियों ने अच्छे कपड़े पहने हैं, वो तैयार हुई हुई है सारा। हम नहीं चाहते उसको बहुत कमर्शलाइज करना बिल्कुल भी ना, कि वो फिर अल्लाह के लिए जो काम हो रहा है वो फिर अल्लाह ताला के लिए ही रहना चाहिए। और इसका जज्बा ही ये शायद अल्लाह की रजा और अल्लाह की खुशी उसमें इस तरह शामिल हो जाती है जो आपको अल्टीमेटली ऐसा सुकून देती है जो शायद आप पता नहीं क्या क्या सुकून जब हम ढूंढ रहे होते हैं हमें वो सुकून नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन जब हम अल्लाह ताला के नाम पे कोई काम करते हैं और खास तौर पे किसी गरीब की मदद करते हैं या उनकी जिंदगी संवारने की कोशिश करते हैं, तो हमारी अपनी जिंदगी बहुत खूबसूरत तरीके से संवर जाती है। सबसे मुश्किल चीज ही आजकल ना सुकून है। आपको ना मेडिसिन में मिलता है, ना आपको तरक्की में मिलता है, ना आपको पैसे में मिलता है, किसी चीज, एक सेहत और एक सुकून, आपको ये दो चीजें इतनी रेयर हो चुकी हैं, इतनी नायाब हो चुकी हैं कि वो मिलना बहुत मुश्किल है। अल्लाह की रजा के लिए कुछ करना, जब आप अंदर से सेटिस्फाई होते हैं, वो इनर सेटिस्फेक्शन से ही मिल सकता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। फैसल, आपकी भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं इसके अलावा, कुछ सोशल वर्क कुछ करते हैं ईद वाले दिनों में? देखिए जी, मैं तो ये कहता हूँ कि लाइफ इज जस्ट वंस, तो एक आरजे के पीछे भी काफ़ी लोग लगे होते हैं ना यार, ईद वाले दिन ही मिलने तो एक ही रेडियो की तो ऑडियंस अभी भी है जो रेडियो को सुनती है। बिल्कुल है जी, ईद के दिन एक तो स्पेशल शोज होते हैं हमारे, वो चल रहे होते हैं क्योंकि ऑडियंस सब वेट कर रही होती है, बिकॉज ईद इज अ फेस्टिविटी जहाँ पे मोस्टली आरजे सब बैठ के एक फन एक्टिविटी करते हैं, तो एक ग्रुप जो वो शो हो जाता है, दैट इज़ अ फैसिनेटिंग थिंग, बड़ा लोग उसका अप्रिशिएट भी करते हैं और वेट भी कर रहे होते हैं। अदर देन दिस बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहती हैं, फिटनेस गोल्स हैं, लाफ्टर थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी है, डांस फिटनेस रिजीम है, वो करवा रहा हूँ। सो इट्स अ फन फील्ड सेशन, और एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का बड़ा पुराना एक्सपीरियंस है, तो वो उससे फ़ायदा उठा। ईद के दौरान भी चलती रहती है इस तरह की एक्टिविटी? ईद के दौरान बहुत ही स्पेसिफाइड क्लाइंट्स होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, तो एज़ पर द नीड बेस्ड होता है, वरना ईद इज़ अ मोमेंट ऑफ फेस्टिविटी, तो ईद के दिन इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती। लेकिन ये है कि ईद इज़ अ फॉर योर सेल्फ, जो आपका मी टाइम है ना, वो ईद का टाइम है, तो ईद का टाइम अपने लिए निकालते हैं। मी टाइम में आप जिम वगैरह भी जाते हैं या ये तीन दिन छुट्टी? देखिए, मैं जब ट्रेन करता हूँ तो इट सेल्फ इज़ अ जिम, तो वो ट्रेन करते ही जो मेरा प्रैक्टिस हो जाती है इट्स इनफ, तो मुझे अलग से जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब ट्रेन कर रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली वर्कआउट करवा के ही लोगों को गाइड कर रहा होता हूँ कि आपने ऐसे करना है, तो वो दिस इज अ ग्रेट थिंग कि वो साथ साथ मेरा भी वर्कआउट हो जाता है, तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। सो नो छुट्टी फॉर दैट, नो छुट्टी, नो छुट्टी, नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा काम है ना, देखिए लोग बस आते हैं। लोग इसको एंजॉय करते हैं, स्पेशली लाफ्टर थेरेपी की आजकल बहुत ज्यादा जरूरत है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, सारे प्रॉब्लम्स सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी। अच्छा, हमारे यहाँ एक बड़ा टैबू है, हम स्ट्रेस पे बात ही नहीं करना चाहते, हम डिप्रेशन पे बात नहीं करना चाहते, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे हम बात, हम मतलब हम किसी को कहें कि तुम्हें मतलब बाइपोलर हो या कुछ हो, तो वो बड़ा एक उसको नेगेटिव उसमें ले लेते हैं कि इसका तो इलाज करना है, शायद पागलखाने में जाना पड़ेगा या शायद हमें पागल कह दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, स्ट्रेस सबको है, हम सबको ही है कहीं ना कहीं, रोजगार का, फैमिली का, बच्चों का, हेल्थ का, हर चीज का, हर चीज में स्ट्रेस है, तो उसको मैनेज करना जरूरी है टाइम के साथ। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी आपके इस पॉइंट में कि हमारी तरफ एक और ये चीज भी है कि ईद के रोज अब लोग ये इमेजिन करना शुरू कर देते हैं
कि ईद वाले दिन सब कुछ परफेक्ट हो जाता है और ईद के दिन ना कोई अपने दुख का इजहार कर सकता है, हालांकि दुख बांटने का नाम भी खुशी ही है। सो आप अगर ये ईद के दिन, अभी हम लोगों ने कोई सीरियस बात कर दी ना एकदम से, मुझे पता है कि लोगों के जहन में आ रहा है कि इतने रोज़ ये क्या बातें कर रहे हैं। Exactly. लेकिन ईद के दिन भी दुख उसी तरह रहते हैं, बस सिर्फ ये कि ईद के दिन आप उनको बांटने की कोशिश करें, दूसरों के जो दुख दर्द हैं उनको खुद पे लेकर आए, उनके जो भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं वो करें। लोगों को सुनना चाहिए, मतलब अगर कोई आप तक आ रहा है अपनी अर्ज लेके, कोई अपनी परेशानी लेके, तो एटलीस्ट बी अ गुड लिसनर, कम से कम सुने तो सही ना। हाँ, सुने और अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो उसको सुने, उसकी शायद आधी परेशानी से भी दूर हो जाती है अगर आपने प्रॉपर सुना। इतने सारे लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ कोई सुनने के लिए नहीं होता, और इवन हमारे साथ भी ऐसे होते हैं, हम लोग लिटरली इंटरनेट पर रैंडम लोगों से बातें कर रहे होते हैं, और जब कोई जैसे ही थोड़ा सा हमें लगता है कि यार स्पेस दे रहा है, तो वी जस्ट ओपन अप एंड स्टार्ट शेयरिंग अवर थिंग्स। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमें रियल लाइफ में, शायद आजकल के दौर के हिसाब से बात कर रही हूँ, हमें लोग नहीं मिलते, तो हम सबको ही यहाँ पे अपना रोल अदा करने की ज़रूरत होती है कि एटलीस्ट आप दूर दराज ना सही, लेकिन आपके अपने जो अजीज व कारिब हैं, दोस्त हो गए, रिश्तेदार, फैमिली, इमीडिएट फैमिली, तो उनके ज़रूर दुख दर्द सुने। लेकिन मैंने एक ट्रेनिंग ले रही थी कुवैत में, तो वहाँ पे एक जर्मन था, हमें ट्रेनिंग दे रहा था, उसने बात कही कि आप स्ट्रेंजर से भी बात कर लिया करें, वो आपको जज नहीं करेगा, तो आप बताया करें, क्योंकि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ प्लीज़ जज करना लोगों को छोड़ दें, नेचुरल चीज़ों को अगर आप डिस्कस करने से डरेंगे और उसको फिर जज करना शुरू कर देंगे, हर चीज़ ज़िंदगी का हिस्सा है, आप हर फेज से गुजरते हैं, हर एज में, हर दौर से आप लोग गुजर रहे होते हैं, तो इसका अगर आप जज करने लेंगे आपकी जिंदगी में भी वो चीजें चल रही होंगी, लेकिन हम दूसरों को पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं। सिनर्स जजिंग सिनर्स फॉर निमरत, जो आपने बात की ना, मैं इसको थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, एक बहुत खूबसूरत शेर है कि दोस्त मसरूफ हो गए इतने, मैंने दुश्मन से राज कह डाला। तो मतलब अब आपको सुनने वाले दोस्त बहुत कम मिलते हैं, पीपल हु एक्चुअली नो यू, कि यार ये तो बहुत स्ट्रेस वाली चीज है, ये तो बहुत परेशान है, हाँ इसको तो अक्सर फाइनेंशियल क्राइसिस रहते हैं, ये पैसे ना मांग ले, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ये कि आप अगर मॉनेटरी हेल्प नहीं कर सकते, आप उसको अच्छी गाइडलाइन तो दे सकते हैं, अच्छा मशवरा तो दे सकते हैं। हाँ, तो इवन वो लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। इवन हम लोग फैसल इतना डिसेंसिटाइज हो चुके हैं, हम लोग दोस्त खुद, हम लोगों ने दोस्त का जो मतलब आप समझ लिए, वो सिर्फ ये कि वो लोग जिनके साथ आप हैंग आउट कर सकते हैं, जिनके साथ आप फन कर सकते हैं। लिटरली आई हैव फ्रेंड्स, मुझे अगर कभी कोई मसला परेशानी होगा तो आई वुड बी आस्किंग देम फर्स्ट कि कैन वी हैव अ डीप टॉक। ये डीप टॉक कह के मुझे कहना पड़ता है, हालांकि इट शुडंट बी दैट शैलो, इट्स अंडरस्टूड। आज निमरा बड़े राज की बातें बता रही हैं, आप निमरा से बात कर सकते हैं, डीप टॉक भी कर सकते हैं। नहीं, अब एक बात तो मैं भी कहूँ, ये जो अभी आप जो बात टॉपिक अभी आपने शुरू किया है ना, ये अभी ये सब कुछ मोबाइल की वजह से हो रहा है। मोबाइल को हम ज़्यादा टाइम देते हैं, और ये दोस्ती यारी ये चीजें जो है ना खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। मोबाइल रात कहां से, मोबाइल को टाइम ना मिलता तो आप भी लीडर ना बनते ना। तो यही तो मुसीबत है ना, अभी एक हकीकत तो ये है ना कि अभी ये जो है ना ये जूझ मौजूद है, ये मोबाइल जो है ना ये जूझ मौजूद है। मुझे लगा कबाब को। नहीं नहीं, कबाब को नहीं, कबाब को नहीं, ये मोबाइल जो है ना ये जूझ मौजूद है, वो इसलिए। खान साहब आप ये कह रहे हैं जो मोबाइल के ऊपर आपकी सारी सियासत चलती है, सबसे ज्यादा आपके फॉलोअर्स हैं। नहीं, डरने के दिनों में ये चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा कि इसको बंद कर देते हैं ना सोशल मीडिया को, तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये सबसे बड़ा हथियार है मेरा। मैंने कहा था, अब वही चीज़ें हमारे ऊपर, अभी आप खुद अपने घर में जैसी कोई याजूज माजूज कह रही है, आपका एक और यू-टर्न नून लीग की, अभी खान साहब ईद वाले दिन भी आपने यू-टर्न ले लिया। नहीं नहीं, जो सच है ना वो सच कहना चाहिए, लगा दिए ना इस काम सर, जो सच वो है ना वो बताना चाहिए, बोलना चाहिए। अब बाकी पार्टियां टिकटॉक स्टार बन गई पूरा, अभी ये जो है ना ये जो टिकटॉक है ना इसको क्या कौन सी वो है ना प्राइड गाड़ियां मिल जाती है ना सिर्फ इसी वजह से। जनत मिर्जा की बात कर रहे हैं, मरियम नहीं उसकी बात कर रहा हूँ ना, हमारी जो केपी का जो है सरदार आला जो है, अच्छा उसने दिया है अली अमीर गंडापुर जी, अच्छा इसके वो इसके अलावा आपने उनको क्यों लगाया, सीम क्यों लगाया, अगर उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। ठीक है, वो ठीक है, दबंग बंद है ना वो, उसे सबको किस तरह सीधा करा हुआ है ना, टिकटॉक पसंद नहीं है, टिकटॉक नहीं, इस चीज के मैं खिलाफ होना चाहे जो भी होना, ये जो है टिकटॉक जो है या ना ये जो मोबाइल को टाइम दे आप, हाँ घंटा दो दे, तरीके इंसाफ के लिए दे, सिर्फ तरीके से सिर्फ हमारे लिए होने चाहिए ट्रेंड सेटर, हां तरीके इंसाफ ट्रेंड सेटर है ये, इसने ये जो दूरियां बनाई हुई है ना, इससे ये मोबाइल में इनके सोशल मीडिया ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या जितनी भी चलें बाकी दो वही बड़ी जमातें,
उनकी सियासत को वाड़ के रख दिए, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सोशल मीडिया ना नहीं, वो सारे वहीं पर ही हैं, वहीं पर हैं, लेकिन नए नए आए हैं तो उनको समझने में सीखने में टाइम लग रहा है। सियासत तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पे की है, वो इससे पहले कभी किसी ने नहीं की और अभी तक तो किसी ने भी नहीं की, किसी भी नहीं किया है ना। मगर ये जो है ना, मगर ये है ना कि घरों में ये जो है ना, आप किसी घर में जाए ना, उधर अगर पांच बंदे हैं ना, बच्चे सबको मिल मिला के, तो सारे उसके आगे बैठे हैं, हर एक ने मोबाइल पकड़ा होगा ना, अब वो दूसरा रो रहा होगा, चीख रहा होगा ना, सब दिया नहीं होगा ना। हाँ। और मैं तो सिर्फ इस हद तक देखता हूँ ना, ये जो टर्क ड्रामे है ना, और तो वो लोग या उस्मान, ये इससे थोड़ा सा ईमान में भी पूछ भी आ जाता है ना। हाँ, खान साहब इसके हवाले से बात ज़रूर करेंगे। इरफान, अगर आप कुछ ईद के हवाले से मैसेज देना चाहें। जी डेफिनेटली जी, बस छोटा सा प्रिसाइज सा मैसेज है कि ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, वाह दस्तूर भी है, क्या तो सब दुख सुख बुलाएं, दिस इज द मोमेंट जो हमने जीना है, तो जिंदगी को सिर्फ गुजारे मत, जिंदगी को जीने की कोशिश करें। मतलब आप ट्रेनर भी हैं, आरजे भी हैं और शायर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं साथ। इरफान फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खान साहब भी मौजूद हैं, शुमाइला भी मौजूद हैं। ख्वातीन और ज़ात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद भी कहते हैं, ईद मुबारक भी कहते हैं। आई होप सो हसन के हमारे देखने वालों की और सुनने वालों की और चाहने वालों की ईद अच्छी गुजर रही होगी, और जो हमें चाहते हैं वैसे उनकी ज़्यादा अच्छी गुजर रही होगी। जी हाँ बिल्कुल, दो दिन से वो देख रहे हैं, तीसरा दिन भी है वो हमें देख रहे हैं, और वो जो कमिटमेंट है ना हमारी, उसकी तो दाद जरूर देते होंगे। आपने ये ईद वाले दिन भी सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक हम आपके साथ, लेकिन आपने हसन ऐसे कहा है जैसे वो हमारी शक्लें देख के उकता गए होंगे। नहीं भाई, होश खा रहे होंगे, कुछ तो होगा। नहीं जी, जैसे हम उनसे रोजाना बात करने से थकते नहीं है, ऐसे वो हमें रोजाना देखने से थकते भी नहीं है, आई नो ऐसा ही है। खैर, हमें ब्रेक में किसने ज्वाइन किया? हमें ब्रेक पे ज्वाइन किया है राबिया किरण ने। राबिया किरण ने जी, ये एंटरप्रेन्योर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, बहुत कुछ हैं। राबिया, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, कैसी हैं आप? यू लुक स्टनिंग। ओह थैंक यू, अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच, यू ऑल लुक प्रीटी। थैंक यू। ईद कैसी गुजरी वैसे आपकी? ईद अच्छी गुजरी, अभी गुजरनी है, अभी आपने ज़िबा कर लिया? फर्स्ट डे वी गो टू द फार्म एंड वहां पे कुर्बानी वगैरह, वो फर्स्ट डे सब हो जाता है। ओके, एंड देन सेकंड थर्ड डे इज यू नो बहन के घर डिनर, नानों के घर डिनर, दादों के घर डिनर, यू नो ऑल दैट। तो बस वो ईद तो चलती रहती है, आई थिंक 3 दिन पे क्या, वो तो 4-5 दिन चलती रहती है, स्पेशली जब समर ब्रेक होती है। एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चों को भी छुट्टियां होती हैं, यू फ्री, तो वो फिर बस चलती ही रहती है। आई थिंक क्या बनाया आपने? मेहंदी नहीं लगवाई इसी चक्कर में, मुझे काम करना था, गोश्त समेटना था, फिर वो जो मेहंदी की स्मेल होती है बड़ी गंदी आ जाती है गोश्त के अंदर, तो मैं फिर बकरी पे, हाँ मैंने फिर मेहंदी नहीं लगवाई। फिर ये भी वो केमिकल वाली आजकल मेहंदी है, तो 3rd से 4th दिन वो इतना बुरा हाल हाथ का कर, और उसका बाकी वो टेस्ट आता भी, इफ यू आर बहुत गंदा टेस्ट आता है, एलर्जी भी हो जाती है, एलर्जी भी हो जाती है बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। आप सब क्या सोच रहे हैं आप काफी देर से? मैं बस ये जो है ना ईद के बारे में सोच रहा हूँ कि इन लोगों ने मेरे ख्याल में काफी सारा गोश्त खा लिया और मैं रह गया हूँ ना। खा लीजिए ना, हमने कब से कहा था, तो मैदान हाजिर है, घोड़ा हाजिर है, थोड़ा सा फ्री हो जाए ना। अच्छा, एक बात से बात करते हैं। अच्छा छोड़ें, एक बात तो बताएं, नवाज शरीफ ने कोई गोश्त वोश्त भेजा है? रानी आई, वो उस पाए भेजेगा, मुझे पाए भेजेंगे, पाए का बड़ा शौकीन नहीं, उनको वो बड़ा शौकीन है वो। अच्छा, हाँ वो नवाज शरीफ। तो आप किस चीज के शौकीन हैं? मैं रान का शौकीन हूँ। रान जो है ना, रान साहब के शौक बखरे हैं वैसे। बखरे हैं। तो आई नहीं कोई रान वाना आपकी तरफ? अभी आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने भी नहीं भेजी? नहीं नहीं, वो भेजने को तो सर तीसरा दिन है, किसी ने रान नहीं भेजी। नहीं नहीं, आप कहते हैं मुजाकरात भी होंगे, कोई 9-10 के करीब तो खा चुका हूँ ना, मतलब बात तो दूसरी तरफ से, 9-10 राने खा भी चुके हैं, बात दूसरी तरफ से नहीं हो रही, लेकिन वो हुकूमत की तरफ से नहीं थी ना। नहीं नहीं, वो जो है ना, ये बाकी जो है ना, बाकी लोग भी
किसी दूसरी तरफ से आई हो ना, उन्होंने लेकिन अच्छा वैसे उम्मीद पे दुनिया कायम है, बड़ी अच्छी बात है खान साहब आपकी की आप ऑप्टिमिस्टिक के बड़े पॉइंट जो है ना ये पिघलने वाली है ना इंशाल्लाह, बर्फ पिघलने लगी है यार, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। वैसे तो अडियाला में बहुत गर्मी है खान साहब। नहीं नहीं अडियाला नहीं, अब मैंने उधर तो वैसे भी मैं उधर मैं खुश हूँ, चाहे अडियाला हो चाहे निगाला हो, दोनों मेरे लिए एक जैसी है। एक ही जैसे हाँ, अडियाला हो निगाला हो दोनों मेरे लिए एक जैसे। अच्छा वजह क्या है? हर जगह मुझे वो है ना, मैं अकेले रहना पसंद करता हूं। अकेले नहीं, वो ख्वाब तो खुद ही तो कहते हैं ना खान साहब कि आपने तो ज्यादा सीखा है, किताबें पढ़ी हैं और आपका जो नॉलेज है उसमें भी उधर पढ़ने को मौका मिलता है ना, और एक्सरसाइज का भी करने का मौका मिल जाता है, ट्वीट का भी मौका मिलता है ना वहाँ पर, वो जो है ना ऊपर से आप कहते हैं मोबाइल ही नहीं ठीक, मोबाइल नहीं तो मोबाइल नहीं, अभी ये है कि मोबाइल जो है ना, ये मैं ये नहीं कहता ना कि ये बहुत बुरी चीज है ना, अच्छी चीज़ है, मगर हम लोग जो हम पाकिस्तानी इसको जो इस्तेमाल करते हैं ना, कुरान को इतना इस्तेमाल नहीं करते ना जितना हम इसको करते हैं ना, कुरान की तरफ हम देखते तक भी नहीं है ना, हालांकि हम अगर एक रुकू तो बहुत ज़्यादा है ना, अगर दो दो आयत भी हम पढ़े ना और तर्जुमे के साथ, कुरान पाक भी फोन में है, क्या पता कोई फोन में, तो वो जो कुरान में आप क्या कहने, क्या कहने, मैं तो हर वक्त साथ नहीं रख सकती, कभी नहीं याद होती तो मेरे फोन में एक फोल्डर बना हुआ है और उसका नाम ही आयत, तो ऑन द गो जब जो जैसे सफर की दुआ होती है, मैं कभी भूल ना जाऊँ, ये बेसिक याद रहती है। मैडम सर मैं फोन और मैडम सॉरी मैं आपको वो बात में, ये जो है ना ये जूझ मौजूद इसने ये कुरान की जो है ना तिलावत ये इसमें भी इसने दो नबरिया की हुई है। खान साहब आपकी एक बड़ी खास बात है, आपने दो चीजें जैसे याजूज माजूज मीर जाफर मीर सादिक, मतलब आप ना कोई इस तरह कपड़े चलाते चल ये चीजें बस वो ऊपर से मुझे पूछे देखिए ना फजल रहमान साहब क्या कहते थे और अब कहते हैं फजल रहमान को मेरे अभी फजल रहमान मेरा उस्ताद बन गया ना, अभी मस्जिद में हो जाऊंगा ना। वैसे आपने कभी कल मियां साहब भी आपके सामने आ जाएं तो सब उनके गुनाह धुल जाएंगे, सब चोरियां खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, ये सिर्फ हम आवाम के लिए ये चीजें हमने बनाई हुई है, आवाम को चूना लगाते हैं, आवाम को चूना लगाने के लिए। पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं आप कभी साथ मिलाते? देखिए पीपल्स पार्टी भी इतनी निम्रा वो कह रहे हैं हम आवाम को चूना लगाते हैं, जो जो मेरे साथ मिलता रहेगा हम चूना कम करते रहेंगे। नहीं लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ क्यों नहीं जाते हसनैन? मुझे हमेशा ये एक फिक्र खाती है तहरीके इंसाफ। नहीं पीपल्स पार्टी भी जो है ना वो मिली हुई है, देखिए अभी वो हुकूमत में होते हुए जब कोई अच्छी चीज आती है तो क्रेडिट ले लेते हैं, और जब कोई मसला मसायल होता है बजट पेश होता है उसमें वो कहते हैं हमने तो बजट में हमसे कोई मुशावरत भी नहीं, हुकूमत में भी है यही तो जो छूने वाली बात मैंने की है ना, जो चूना मैंने कहा ना यही इसी को तो छूना वो कहते हैं ना, दिन को वो होते हैं ना वो लड़ाई मार कट आई, रात को फिर एक टेबल पे खाते हैं। हाँ ये जो हमारे दूसरे सियासतदान है ना, ये जो इसको वो कहते हैं ना, ये तो इनके हालात हैं अब देख लीजिए। शुमाइला का भी वैसे बड़ा गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से, एम आई राइट? बता दें सबको बता दें मैं गई हूं शुमाइला, आप मैं रह गई थी, आप सोशल वर्कर हैं? मैं सोशल वर्कर हूं, मैंने सियासत भी सोशल वर्क के लिए की थी, लेकिन मैं आपसे एक रैपिड फायर कर लेता हूं, आपको सियासतदान कौन पसंद है? नवाज शरीफ या जरदारी? ऐलान कर रही है जरदारी, इसीलिए तो मैंने कहा है ना भी कि पीपल्स पार्टी जैसी गेम कोई भी प्ले नहीं कर सकता है, हुकूमत में है भी और हुकूमत में नहीं भी है, व्हाटएवर दे वांट, हिकमत वेरी स्मार्ट। वैसे आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है, इफ आई गिव यू टू ऑप्शंस, सरफराज या फिर बाबर आजम? बाबर आजम, बाबर आजम व्हाई? अभी तो खैर मैं बड़ी दिल बर्दाश्ता हूँ, जो जो अभी मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का और फिर उसके उससे पहले जो है अमेरिका के साथ, उसमें मैंने बड़ी एक वीलॉग भी किया, बड़ा लिखा भी, आर्टिकल्स भी लिखे, कॉलम भी लिखे, बड़ी तकलीफ हुई है क्योंकि टीम को मुझे नहीं समझ में आ रही टीम कर क्या रही है। अगर आप अमेरिका से हार गए थे तो कम अज़ कम तैयारियां करते, आप शॉपिंग करने चले गए, रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं, फिटनेस का कोई ख्याल नहीं है, हर चीज़ खा रहे हो, फिर भी बाबर आजम आपके फेवरेट है शुमाइला? यू कुड हैव सेड नोबडी। अभी तो खैर कोई भी फेवरेट नहीं होना चाहिए, थोड़ी होता है कि अगर कोई लूज हो गया तो फिर वो आपका फेवरेट ना रहे, आई आई नहीं, कोई हारेगा तो कोई जीतेगा, फेवरेट नहीं करते हम अमेरिका से, तो आप अमेरिका से हम आपसे डिसएग्री कर रहे हैं तो दैट डजंट मीन अमेरिका से, तो आप लेकिन मैं एक बात बताऊं, वी हैव फैक्ट्स हियर, हम सब कुछ माफ कर सकते हैं, इमोशनल नहीं होती, अमेरिका से माफ कर सकते हैं, अमेरिका से इसलिए आ रहा है कि फिर अमेरिका ने साजिश की है, नहीं नहीं कर्जा आईएमएफ, आईएमएफ फिर हमें कर्जा नहीं मिलना था, सीधी बात है,
अमेरिका की हार फिर बर्दाश्त कर गए तो इंडिया वाली बर्दाश्त नहीं हो सकती। अमेरिका ने साजिश की है, सीधी बात है। उसके साथ अमेरिका साइफर आया था कि पाकिस्तान को मैच हारना चाहिए वरना आईएमएफ से कर्जा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में कोई साइफर नहीं था। इंडिया पाकिस्तान का पानी का भी मसला नहीं था, बहुत सारे मसले हैं, वो सिर्फ टीम के अंदर ही हैं, उनकी फिटनेस का है, उनकी आपस की एक कोऑर्डिनेशन का है और इमोशंस जुड़े हैं बहुत ज्यादा इंडिया पाकिस्तान के। लेकिन ये मेरिट नहीं है। ये बड़ा मुझे याद आ गई, खान साहब इस क्रिकेट को तो आपने तबाह किया, ये क्रिकेट उरूज पे जा रही थी, आपने एक टॉस पे बैटिंग ना करने पे सरफराज को हटा दिया, उसके बाद बाबर कप्तान बना, वो 5 वर्ल्ड कप्स समेत एशिया कप हार चुका, फिर आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दी, वहाँ पे तो मतलब आपको चीज़ें ठीक करनी चाहिए थी, आपने वो ख़राब कर दी। मैंने ये चीज़ें अगर वो बंद की थी ना तो उस वक्त एक इसके पीछे एक रीज़न थी ना, ये पूरे पाकिस्तान को मैंने इकट्ठा किया है ना, क्योंकि PIA था, रेलवे, ये जो बाकी जो थे डिपार्टमेंट हुआ करते थे ना, उसमें मैंने पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा किया ना, मगर जो मैनेजमेंट इकट्ठा नहीं हो सकता पाकिस्तान को मैंने इंडिया पाकिस्तान के मैच पे इकट्ठा हो सकता है। इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान में वो उसमें भी इकट्ठा पाकिस्तान है इकट्ठा, वरना कब का जो पोजीशन है पाकिस्तान की, ये 122 दफा इसको टूट जाना चाहिए था। लेकिन सर वो जो जिस तरह सुमैला से बात हो रही थी 1971 के टूटने वाले पे अभी बात हो रही है, अभी 121 बार मत तोड़िएगा प्लीज। वही वही जो पोजीशन जो पोजीशन है जो किया ना हमने इस मुल्क के साथ सब ने, अगर कोई दूसरा मुल्क इस मुल्क पे होता ना तो ये 121 दफा टूट चुका होता ना। हमने हर रोज हम इसको धक्के देते हैं, मगर ये आई अग्री लेकिन ये दुआओं पे बना हुआ है कि चलता जा रहा है जो भी है, एंड वी स्टिल सिटिंग हियर स्टिल सेलिब्रेटिंग ईद। नहीं किरण, मैं आपको बताऊं सर, सुमैला भी आपके आने से पहले बहुत ज्यादा आई थिंक प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। आपके आने से पहले ये बता रही थी कि ये एक ऑर्फेंस चला रही है जिसमें 62-63 लोग हैं, फिर कल या परसों में अगर आपको बताऊं तो मेरे इस प्रोग्राम में जो भी आता रहा वो ये कहता रहा यार कि हम कोई ना कोई सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो शायद पाकिस्तान इस वजह से भी चल रहा हो कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चैरिटी में हम बहुत आगे नहीं सोता, यहाँ पे कोई भूखा नहीं सोता, अल्लाह के नाम पे हमारे मुल्क में काम हो रहे हैं, बहुत हो रहा है ना, अल्लाह के नाम पे इस मुल्क में बहुत वो चंद अखरात मिल जाता है ना, ये जो है ना IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी ना, मगर यहाँ पर हम खुद ऐसे हैं, बस अल्लाह ताला हमें सबको माफ़ करें, ये मुल्क अगर नहीं रहा ना तो हम पता नहीं नहीं मुल्क यही रहेगा इंशाल्लाह ताला, यही रहेगा और हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं। मैंडेट वापस दें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को उस मकाम पे लेके। वापस की बात है, अगर अब की बार आपकी गवर्नमेंट बन जाती है, वैसे आप लोग तो अब ये खबरें फैला रहे हैं या बता रहे हैं कि आप लोगों को आपका मैंडेट वापस कर दिया जाएगा, हुकूमत गिव अप कर देगी, तो वैसे ऐसे मुमकिन अगर फर्ज करें हो भी जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी गवर्नमेंट में क्या मुख्तलिफ होगा? हमसे जो पहले गलतियां हुई ना पहले तो हम उसको सुधारेंगे इंशाल्लाह। मानते हैं कि आपसे गलती हुई, सबसे बड़ी गलती कौन तो थी? वो फिर बैठ के सबसे बड़ी गलती 3 बजे ऑफिस आना थी, सबसे बड़ी फिर हेलीकॉप्टर में आना था, पंजाब जैसे सूबे को आपने ऐसे लावारिस कर दिया बिल्कुल ही। एग्जैक्टली, नहीं गलतियाँ इंसान है, इंसान से गलतियाँ हो जाती है ना, फिर हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। What did you cook? No, we can talk about like janwar and the family meeting. Acha ek aur baat kar lete hain, is kya janwar liya tha aapne? Yaar मुश्किल बात है ना, गुरु आई फ्रॉम नेल्स पर मुझसे ईद के फैशन की बात करो, कपड़े अच्छा, मेरे पास कितने लोग आए, जानवर खरीदने। अच्छा मेरे नेल्स कब करेंगे आप?
आ जाओ अभी मेरे साथ चलो। मैंने अभी आपके स्टाफ को बोला है, मैंने अभी आपके स्टाफ को बोला है कि आपके पूरे एबीएन पे जितनी भी आपका स्टाफ है वो मेरी तरफ से इधर मुझे स्टाफ में काउंट कर ले। ऑल माय गेस्ट फॉर नेल्स, मैंने अभी वो पीछे से बताया। कितने दिन पहले स्पेशली जिस तरह हमारे बच्चे हैं, छोटी बच्चियां जो होती है बेटियां, उनको क्या इंटरेस्ट है, क्या कुर्बानी होनी है, क्या क्या होना है, दे आर इंटरेस्टेड के कपड़े क्या पहनने हैं, छोटी दो बड़ी दो पहन भी चुकी है यू नो। हाँ नहीं, लेकिन ज्वेलरी पहनती हूँ कुछ भी ना तो मुझे काफी लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है। आई कैन नॉट डू दैट। हां, देन यू हैव टू वियर द पिन शुड बी ऑफ गोल्ड। नहीं, इवन मेरी मेकअप आर्टिस्ट प्यारी लग रही है। आपको पता है हॉलीवुड स्टार्स कुछ नहीं पहनते जब उन्होंने ड्रेसेस ऐसे पहने हैं। अच्छी बात है, हॉलीवुड ट्रेंड को फॉलो कर रही है। हर चीज से भी बची हुई है ना, हर चीज से भी बची हुई है ना। अच्छी बात है ना, नहीं पहन अच्छी चीज। हर चीज से भी बची हुई, सही बात है। आजकल सोना कितना महंगा है। कुछ भी अगर कभी मैं हेयर स्टाइल में ऐसा था, मैं मेकअप आर्टिस्ट को रेकमेंडिंग में कि आप कुछ पहन लें। आप नाम बताती ना, फॉर मी आई विल से कि अच्छा जी कोई ड्रेस बहुत हैवी था तो आई नेवर गॉट बॉदर्ड बाय इट। आप अगर देखो दिस इज ब्लिंग ब्लिंग, दिस इज ब्लिंग ब्लिंग ना, ब्लिंग ब्लिंग ऑलरेडी, सो इट्स ऑलरेडी स्पार्कली। सही है, देखे ना उनके इंटरेस्ट की बात की आपने तो कितनी एनर्जेटिक, कितनी एनर्जेटिक, पूरा एनर्जेटिक हो जोश निकला। मेरी भी एनर्जी आ गई है ज्यादा, दैट्स वेरी नाइस। अब आपकी एनर्जी कम हो गई प्लीज। उनके इंटरेस्ट की बात आप ही कर सकते हैं। नहीं, बट द थिंग इज दैट मैं नेल स्पा बंद करके आती हूं घर सुबह 4 बजे, जो चांद जो हमारी चांद रात होती है, बड़ी ईद या छोटी ईद जो भी हो, मुझे लगा रूटीन में। तो मैं जब आती हूँ और उसके बाद फिर यू नो उठ के फिर बच्चों को तैयार ये वो, तो तब तक प्रॉब्लम कुर्बानी हो चुकी होती है यूजली। उसके बाद मैं जब पहुंचती हूँ डाइनिंग रूम में, वो टाइम होता है जब वो सब खाना लग चुका पता नहीं चलता कि ये क्या इसमें से क्या है और क्या क्या है, बस इस वक्त खा लो। लकी शी इज, बट सी ना रात को जब सब सो रहे होते, मॉम सो रही होती, तो तब मैं काम कर रही होती उस स्पा पे, बिकॉज पीपल कीप कमिंग ना लेट नाइट तक, दैट इज द ओनली डे कमाने का भी दिन होता है। सही बात है, कमाने का। अच्छा, आपके बच्चे भी इसी तरह होते हैं या वो कोई इंटरेस्ट लेते हैं? बहुत ज्यादा, मेरा बेटा तो वो बकरा आ चुका था बहुत दिन पहले ही, और फिर ही इज माशाल्लाह 11, बट मुझसे भी ज्यादा टॉल है वो। तो अभी मैंने सबको कहा मैं 14-15 साल अपनी एज बतानी शुरू कर दूँ, क्योंकि माशाल्लाह हाइट बहुत अच्छी निकाल ली है। तो उसका यही होता है, बकरा लेके सारा दिन उसने जो है ना बस गलियों में फिरना है, और खुद की भी हालत बुरी। और अभी तो मजे की बात है, छुट्टियां भी है बच्चों, छुट्टियां भी होगी, एग्जाम्स खत्म हो गए, अब तो पढ़ने के लिए भी नहीं है। हमारे दौर में तो ये होता था छुट्टियों के साथ इतना सारा होमवर्क मिल जाता था, तो वो भी आपने सितंबर अगस्त में मतलब खत्म करके जाना है। तो इन बच्चों का And वो तो कहते हैं कि मैंने तो जाके देखना है, तो वो सुबह उठ जाते हैं, वो तो अपने मामू से अच्छा मेरे गो कि मैंने कुर्बानी होते हुए देखनी है, मैं जितना डरती हूँ, बट ही तो ही वुड गो। बॉयज आर इंटरेस्टेड। अच्छा, मेरे ख्याल से बच्चों को दिखाना भी चाहिए, क्योंकि हम ये जो बच्चों को मम्मी डैडी की तरह पाल देते हैं ना, मम्मी डैडी स्टाइल में, कि जी नहीं नहीं वो खून निकल रहा है, ये दिखाना नहीं, मेरा बच्चा बहुत नाजुक दिल का, प्लीज फॉर गॉड से कि ये बच्चे कैसे, फिर आप टर्किश ड्रामा की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं। आई नीड अ लेसन फ्रॉम यू ऑन दैट, बिकॉज़ मैं बड़ी डरपोक हूं। नहीं, मैं भी डरपोक हूँ, मैं खून नहीं देख सकती, बट मैंने अपने बेटे को जाके कुर्बानी के वक्त उसे कहती हूँ छुरी तुमने फेरनी है, और वो 7.5 साल का था तब से मैंने उसको इस पे ट्रेन किया कि नहीं, यू हैव टू डू इट, यू आर मुस्लिम, यू हैव टू डू इट, इट्स कुर्बानी, ये आप जुल्म नहीं कर रहे हो, अगर हम इनको छोड़ देंगे तो हमसे ज्यादा तादाद इनकी हो जाएगी पूरी दुनिया में। तो इसका एक एसेंस है, आप गोश्त शौक से खाते हैं तो वो गरीब लोगों तक पहुंचाना होता है। देखिए, इंसान अशरफुल मखलूकात है ना, तो ये सारी मखलूकात अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है। तो वो तो खैर, वो जो लिबरल्स आ जाते हैं एनिमल राइट्स वाले, उनकी तो एक अलग डिबेट है, लेकिन ये बहुत आपने अच्छी बात की कि हम लोग जो अक्सर लोग होते हैं बच्चों को पढ़ाना ऐसे बर्गर बना दिए बच्चों ने, बच्चों को बनाते चले जा रहे हैं। The first day of Eid, जो best thing जो मैंने enjoy की थी, was kaleji. लेकिन आपने जो बात की, मैं इसको सेकंड करूंगा कि हम जब बचपन में ना बच्चों को डरा देते हैं ना कि पेट से डराते हैं, जिन बाबा आ जाएंगे, तो वो सारा उनके सारी जिंदगी के लिए ना वो शर्म में चले जाते हैं। अच्छा, मैं हॉरर मूवीज नहीं देख सकती थी, तो मैंने बच्चों को बिठा के जब देखनी शुरू की हॉरर मूवीज, तो मैंने यही किया कि इट्स फनी, इट्स ऑल फेक एंड इट्स फनी।
तो तुम लोगों को किसी चीज से डर नहीं होना चाहिए. वो मेंटली 12-15 कैमरामैन जो उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है नाउ. वो ऐसी ऐसी हॉरर मूवीज मैं नहीं देख सकती उनके साथ बैठ के. अब वो ऐसी ऐसी मूवीज देख लेंगे, लेकिन ये कि बच्चों को ट्रेन जरूर करना चाहिए अपने कस्टम्स के साथ, अपने रिलीजन के साथ उनको कनेक्टेड रखना चाहिए. उनको आप एकदम ही ना बर्गर किस्म का बना देते हैं तो वो बड़ा गलत. सारी जिंदगी बर्गर रहते हैं, फिर आप वो सारी जिंदगी बर्गर रहता है बच्चा. हां ऐसा कुछ बिल्कुल ऐसे ही है. हां सर एग्री करते हैं आप? बिल्कुल एग्री करता हूं. शुक्र है. आपने अपने बच्चों को क्या बताया? नहीं तो खान साहब तो यहां पे इस तरह कहते हैं कि मेरी बात सुनिए थोड़ा सा ये ठीक कह रहे हैं लेकिन लेकिन इस पे प्रॉब्लम को डोंट मैं मिमिक्री टू एग्री. मैंने अभी मेरी हम लोग अपने प्रोग्राम के लिए मिमिक्री आर्टिस्ट ढूंढ रहे होते हैं. हम अपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को क्यों रख लें? थैंक यू. पहले जो है मेरी बात पूरी नहीं हुई मगर आपने बोल दिया ना. मैं एग्री करता हूं मगर अभी हम ये सब सिर्फ वो जो कहते हैं ऑल इज माउथ बट नो एक्शन. हम सिर्फ वो ना, हमें मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को अडॉप्ट करनी चाहिए इस चीज़ को कि हम बच्चों को इस्लाम की तरफ करें, उसको इस्लामी तारीख पढ़ाएं, उसको कुरान तर्जमे के साथ पढ़वाएं, ट्रांसलेशन के साथ. हम सब बड़े इस्लामी हो गए वैसे अडियाला. मैं तो पहले अडियाला से पहले ग्रेटर पाकिस्तान की बात करते थे. नहीं नहीं, ये जो मेरा नारा था निया पाकिस्तान, उसमें यही चीज़ें थी. अच्छा. मगर किसी ने छोड़ा नहीं मुझे कि मैं उस तरफ लेके जाऊँ कुमकुम. मैं तो कि मैं नया पाकिस्तान पूरी तरह बना सकूं, मौका नहीं दिया. मौका नहीं दिया ना, मौका मिले ना. ये जो चीज़ें हैं ना, ये जिस तरह अभी इस मैडम ने कहा कि वो मैंने बच्चों को कहा कि इसे ना डराइए वो फलाना, क्योंकि हम सब इस अमल से गुजरे हुए हैं ना. आपने कहा कि हमें डराया गया था कि जीन है ये वो फलाना डिंग. अब जीन वीन हमसे बड़े जीन और कौन हो सकता है? हम कितने जीन हैं? जीन हमें देख के भाग जाते होंगे. हां हां जीन है. हां आप जहां पे अड़ जाएं वहां पे अड़ जाते हैं. अड़ियाला गए वहां से नहीं निकल रहे आप. नहीं नहीं, तो हमसे बड़े जीन और हम देखते हुए भी कि इस मुल्क के साथ इस आवाम के साथ क्या नहीं हो रहा है ना. बहुत बुरी हालत है लोगों की, उसके बावजूद भी हम टसमस नहीं हो रहे हैं ना. तो कुछ बातें अच्छी है कुछ बातें, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी बात है कि मुज़ाकरात के लिए बैठे. इस तरह कब तक चलेगा? असल में खान साहब करना चाहते हैं लेकिन कोई और नहीं करना चाहता. नहीं, खान साहब करना नहीं चाहते थे पहले. अच्छा, पहले मैं नहीं करना चाहता. अब करना चाह रहे हैं. अब खान साहब पहले कर लेते तो मैं ना बोलता कि आपकी तरीके इंसाफ से थोड़ी वाबस्तगी है, लेकिन खान साहब हमेशा से मुज़ाकरात करना चाहते हैं. नहीं सुमैला, आपकी कोई वाबस्तगी नहीं? नहीं देखिए, सुमैला सोशल वर्कर हैं. मैं नहीं वाबस्तगी कि मैं उस तरह जरूर कहूंगी कि मेरा लीडर जरूर खान है और मैं उसको बिल्कुल मानती हूँ. कुछ चीजें गलत हर इंसान में होती है, कुछ चीजें सही होती है. हर कोई परफेक्ट नहीं है, तो गलतियों से ही इंसान सीखता है. जो गवर्नमेंट आई थी 2018 में, उसमें बहुत ज्यादा गलतियां हुई. नेचुरली अब बहुत ट्रेंड हो गए इन 2-4-5 सालों में, स्पेशली जो इतना टफ टाइम गुजरा है. तो डेफिनेटली जो भी लेकिन मैं जनरली अगर कहूँ तो अब जो भी हुकूमत में आए, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, खुदा का वास्ता एक दूसरे पे कीचड़ उछालना बंद कर दें. मैंने ये कल भी बात की कि शुमाइला हमारा ना एक थिंक टैंक होना चाहिए और कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स होने चाहिए. जो तहरीक इंसाफ आए वो भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करे, उस प्लान के ऊपर. नून लीग आए वो भी करे, पीपल्स पार्टी आए वो भी करे. हमारा मसला ये होता है कि जब ऊपर से बंदा चेंज होता है तो बस सब चीज़ें चेंज हैं, सब स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, सब मामला चेंज हो जाता है, सारे काम जो होते हैं रुक जाते हैं. यहाँ पे आपने थिंक टैंक की बात किया है ना, यहाँ पे हर ये मोची जो है ना, ये एंकर बना हुआ है, क्लीनर एंकर बना हुआ है ना. तो यहाँ पे इतने सारे वो मैं आपके इस बयान की मुज़म्मत करता हूँ सर. हर मोची, व्हाट डिड ही से, हर मोची. सॉरी मैं सॉरी 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 मैं मोचियों की और ये जो है क्लीनरों की. आप तो माशाल्लाह बड़े स्मार्ट हैं, बड़े खूबसूरत हैं माशाल्लाह. आप क्या क्या मैं आपके ऊपर मल लूं? खान साहब भी कर सकते हैं वही बात को. क्या क्या मैं यूटर को यू चेंज कर दो ना. खान साहब आपने फौरन यूटर्न लिया, हम मजम्मत करते हैं आपने जो बयान दिया. मैडम ये मैडम जो है ना माशाल्लाह, ये भी स्मार्ट है, आप भी स्मार्ट है, जो आपके गेस्ट ना इतने स्मार्ट नहीं जितने आप लोग स्मार्ट हैं. अब आप खुश हो गए, अब आप गलत बयान दे चुके हैं, यू टर्न लेके स्मार्ट मत बने हमारे साथ. ये क्या किया का जो होता है ना, हर बड़ा लीडर यू टर्न लेता है ना, ये आप पता नहीं. अच्छा खान साहब, आपकी थोड़ी सी मसरूफियात ज्यादा है तो मैं चाहता हूँ आपके साथ थोड़ा सा रैपिड फायर कर लिया जाए, फिर आपसे पैगाम लिया जाए ईद का. तो मुझे बताइएगा, नवाज शरीफ और फजल रहमान का तो आपने बता दिया था, आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है, इमरान खान या बाबर आजम? इमरान खान. इमरान खान. सेल्फ लव 101. अच्छा पसंदीदा अदाकार आपका कौन सा है, हुमायूं सईद या फिर फहद मुस्तफा?
हमायूं या मोहम्मद अली मोहम्मद वो पुराने फिल्मों वाले नहीं बस नहीं अच्छा सोशल मीडिया या टीवी टीवी ज्यादा बेहतर है टीवी ठीक हो गया आसिम मुनीर या कमर जावेद बाजवा कोई और पूछे ये अलग कर दें रात की नींद या फिर दिन की नींद रात की नींद या दिन की नींद नींद मेरी वजह से उड़ गई है ईमान से ना रात को दिन को पाकिस्तानी सियासत या सहाफत पाकिस्तानी सियासत या सहाफत सहाफत जो है ना ये इबादत है अगर सही तरह से की जाए और जो सियासत है ये भी इबादत है दोनों मगर इन दोनों को हमने बहुत वो कर दिया है पोलराइज कर दिया बहुत ज़्यादा थैंक्स टू यू खान साहब यू वेलकम पसंदीदा पाकिस्तानी मौसीकार पसंदीदा मौसीकार गाने का शौक नहीं है मुझे रात एक रात फतेह अली खान जो वो नहीं है उसका जो नुसरत फतेह अली खान नुसरत अली खान बदु बदी मेरे ख्याल से कोई ईद शो चाहत के बगैर पूरा नहीं हो रहा चाहत फतेह अली खान बदु बदी नहीं मैं एक दिन आया मॉर्निंग शो में इनके पास तो मैं अक्सर स्काइप पे आता हूँ घर से तो ये बदु बदी कर रहे हैं मैंने कहा यार क्या कर रहे हो भाई कहते यार YouTube पे जाके देखो पता नहीं 2 मिलियन व्यूज अच्छा जो मैं सेट पे बैठी होती हूं ये हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं Skype पे तो आई वुड बी डूइंग दैट बदो बदी स्टार्ट में आपको याद है आपने मुझे वो सुरैया वाला या कोई गाना सिखाया था व्हाट वाज दैट एग्जैक्टली किदा गई है समथिंग तो फिर मैंने बदला ले लिया बदो बदी से चैनल हां सब कोई पैगाम देना चाहेंगे पैगाम ये पूरी कौम को खासकर ईद के मौके पर अपने जो फिलिस्तीनी भाई हैं और गरीब गुरबा जो है ना इसको मत भूलिएगा और इस कौम को एक होना चाहिए ये मुल्क है तो हम है मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है बस सिंपल पैगाम है आपका आप क्या चाह रहे थे कि वो और क्या बात मैं कह रहा था खान साहब को आधे घंटे की तकरीर करने नहीं वो पाबंदी है उनको पता है ना खान साहब पेरोल पे खान साहब आप जाइए वापस अडियाला में आपका इंतजार हो रहा है बहुत 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 मेहरबानी आप लोगों की बहुत बहुत यहाँ पर खवातीन आजाद वक्त को चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं ईद मुबारक कहते हैं और फिर से एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आपकी ईद अच्छी अच्छी गुजरी है क्योंकि ऑब्वियसली मुझे हसनैन को देख रहे हैं सो बनता है exactly. अच्छी ईद गुजर रही होगी ब्रेक में पहले अकेले निमरा को आप देखते थे अब मुझे भी साथ देखते हैं ब्रेक में हमें ज्वाइन किया जी वेरी यंग एंड डायनामिक एमएनए और वैसे ये पहले जो है वो हमारे साथ भी होते थे लेकिन अब एमएनए बन गए तो फिर डायनामिक भी हो गए यंग भी हो गए हमारे शहर से ताल्लुक है जी राजा से ताल्लुक है बॉक्सर पर हमारे साथ मौजूद है सामा कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूं आप खैर मुबारक जी आपको पहले तो सामा ने शिकवा किया आपसे इनडायरेक्टली आपने फील किया है वो नहीं मेरे दोस्त भी है मेरे भाई भी हैं इन्होंने थोड़ा सा मुझे तो फील हुआ नहीं नहीं हम एक ही जो है ना स्कूलिंग भी इकट्ठी हमारी तो इस वजह से गिले हमारे चल सकते हैं वैसे उसामा कैसी गुजरी आपकी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम अल्लाह ने बड़ा कहां गुजारी मरी में जी मरी हमारी तो हमेशा मरी होती जी गांव लोगों के साथ हमारा काफ़ी बड़ी फैमिली है हमारा हल्का बाप बहुत बड़ा है हमारी ईद बड़ी बिजी होती है यूजली लोगों जैसी नहीं होती हमारी काफ़ी बिजी ईद होती है बिजी ईद होती है अभी कल हम लोगों के ना कल और परसों जो भी गेस्ट आ रहे थे तो दे वर ऑल टॉकिंग अबाउट कसाई 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 मैंने हंसते से कहा हम लोग लकी हैं मरी के लोग हम लोगों को कभी कसाई की जरूरत नहीं पड़ती हमारे गांव के लोग खुद ही इतने एक्सपर्ट होते हैं वो फैमिली वाइज खुद ही इकट्ठे होकर जानवर ज़बह कर लेते होते जी काफ़ी आपने भी कभी कसाई नहीं देखा होगा आई एम सर्टेन अबाउट इट जी हमारी अपनी जी काफ़ी लोग हैं वो मेहरबानी करते हैं तो आसानी हो जाती है हमारे लिए इसलिए हमें कभी कसाई वाला वाप वाली बात कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ वरना लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है शहरों में ज़्यादातर गांव में मेरा ख्याल है कम होता है शहरों में ज़्यादा होता है शहरों में इस्लामाबाद लाहौर घर से घर जुड़ा है और फिर वो कसाई कितने ही घरों में चला जाएगा कसाई की डिमांड बढ़ जाती है इसीलिए और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो जाता है सप्लाई कम हो जाती है एक्सपेंसिव भी काफ़ी हो जाते हैं जी आम लोगों के लिए बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त यहाँ रहते हैं ये बताते रहते हैं कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव जी के कभी एक घर जाओ कभी दूसरे तो काफ़ी कॉस्ट कर जाता है उनको अच्छा उसामा आप पहले जो है वो मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा चेंज तो आया होगा क्योंकि ये आपकी दूसरी ईद है एज ए एमएनए इससे पहले जो है वो आप पब्लिक पोस्ट पे नहीं थे तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना
पिछली ईद तो जी मैं था ही नहीं इधर मुल्क में, अगर होता तो पता लगता। वैसे आम रूटीन अब बहुत बिजी हो गया, पहले शायद एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतनी लोगों की। जब आप इलेक्ट हो जाते हो लोगों की, और आप जब हुकूमत में होते हो तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है। कोशिश कर रहे हैं कि पूरे उतरें उन पर, लोगों से जो उनकी उम्मीदें हैं उन पर पूरा उतरें, जो काम हमारे ज़िम्मे लगे हैं पूरा कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गिले वगैरह दूर करते हैं लोगों के। मैं तो कोशिश करता हूँ हर वीकली दूर करने की कोशिश करता हूँ गिले। अगर लिटरली उन्होंने कॉल कर दी और कॉल ड्रॉप हो गई, दैट इज अ बिग गिला। अगर कोई इंसान उसे थोड़ा सा भी पीछे जाता है तो वो शिकायत भी नहीं करते, बिकॉज़ दे आर एक्सपेक्टिंग, वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप सब मरी से हो? या वी आई हैव स्टडीड इन मरी फॉर 6 इयर्स सेंट डेनिस कश्मीर पॉइंट पे, ग्रेड 3 से ग्रेड 9 तक। अच्छा किधर पड़ा है? सेंट डेनिस कश्मीर पॉइंट, वो सबसे प्यारी जगह है मरी की। बात या 6 इयर्स आई हैव बीन देयर, सो मरी इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ओह दैट्स वेरी नाइस। शुमैला हाउ अबाउट यू? इस्लामाबाद वाकेंट। ओके आई एम फ्रॉम वाकेंट। नहीं बट डू यू लाइक मरी? अक्सर लोग मरी कहते सुने। अब तो जाते नहीं क्योंकि बहुत क्राउडेड हो गया है और वहां पे दुकानदार काफी जो है ना वो नहीं, उसके लिए वो सामान बेच कर रहे हैं। अच्छा वो मॉल रोड जो है ना, वो मॉल रोड पे तो अब नहीं जाते, मुझे नहीं याद कि मैं लास्ट कब। ये मिसकंसेप्शन खत्म कर ले, मैं एक्सप्लेन कर करके थक चुकी हूं, दैट्स नॉट मरी। हां मरी मॉल रोड तो ना लोग ये समझ, बहुत ज्यादा मिक्स लोग आए होते हैं हर जगह। इनका जो शिकवा है ना, ये बहुत से हमारे मेहमान जो दूर से आते हैं उनका शिकवा होता है, सो वी आर गोइंग टू चेंज ऑल दिस नाउ। This all is going to change. पहला हमारा सबसे बड़ा जो मरी के लोगों का इशू था, हमारे यूनिवर्सिटी और एक हॉस्पिटल का इशू था, अल्हम्दुलिल्लाह इस ADP में हमने अप्रूव करा लिया। एक स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी बन रही है, हॉस्पिटल बन रहा है जिसमें पीड्स कार्डेक एवरी फैसिलिटी लेबर एवरी थिंग विल बी देयर। ये सामली में हम बना रहे हैं जी 300-400 बेड जी उसके, क्योंकि अब बताएं मरी में जगह का इशू है, आप तो खुद बिलोंग, वो उनके पास 400 कनाल जगह पड़ी हुई थी, तो समझदारी भी यही थी कि उसी को यूज़ किया जाए। मगर एक उसका छोटा सेंटर बनेगा टोपा में, ठीक, कि कोई जो एमरजेंसी हो उस पर ट्रीट कर सके, और हम कोशिश करें उसी साइड पे यूनिवर्सिटी की, बड़ी खूबसूरत जगह है, तो कोशिश करें उसी साइड पे यूनिवर्सिटी के लिए भी हम जगह लॉट करें। हमारे टाइम पे होती वो यूनिवर्सिटी तो हमें इस्लामाबाद मूव ना करना पड़ता, इसलिए लोगों ने वोट भी दिया जी। और जो इनका था जी, वो कल भी हमारी एक मीटिंग हुई है इस रिगार्डिंग दिस इशू, वी आर गोना एक्सपैंड माल रोड जी, और ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स हैं ये पीछे हटेंगे, और जीका गली से आगे ट्रैफिक नहीं जाएगा, पुराना मॉल रोड हम रिवाइव करेंगे, बैरियर्स लग जाएंगे, वहाँ से आपको इको फ्रेंडली शटल्स मिलेंगे जो फैमिलीज को। अच्छा डीफॉरेस्टेशन के लिए प्लीज प्लीज प्लीज, दैट इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट, प्लीज डू समथिंग फॉर दैट, क्योंकि अभी जो मैंने अक्सर नोटिस किया इवन एक्सप्रेस वे पे धड़ाधड़ दरख्त कट रहे हैं, जंगलात कट रहे हैं, और वहाँ पे तामीरात हो रही है, सो आर यू गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर दैट? अभी का मौका वैसे अभी वी हैव सस्पेंडेड 26 पीपल जी हु वर इन्वॉल्वड इन डिफरेंट केसेस जी। और फॉरेस्ट कटिंग में मरीम औरंगजेब साहब मेरी बहन है बड़ी, ये भी जानते हैं, और शी इज अ डायनेमिक लेडी, और वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं चीज़ों पर, इवन के उनने हमें यहाँ तक अलाउ नहीं करे कि फॉरेस्ट लैंड में से आप रोड निकालें, कहते हैं आप रोड निकालते हैं उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, एंड डिफॉरेस्ट्रेशन पे बहुत हैवीली काम शुरू हो चुका है, और क्लाइमेट पे तब भी काम होगा जब आपकी फॉरेस्ट रिवाइव करेंगे, क्योंकि अब तक क्लाइमेट इज द बिगेस्ट इशू इन द वर्ल्ड अभी, तो उस इट इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट, ग्लोबल वार्मिंग है आपको पता है, एवरीथिंग इज रिलेटेड। एक थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम भी है कि हमने देखा कि मियाँ साहब का एक बड़ा इंटरेस्ट रहता है, जब भी वो मरी आते हैं वो मरी को रिवाइव भी कर लेते हैं, क्योंकि उनका अपना वहाँ हर हफ्ते वहाँ पे जाते हैं, अभी भी काफ़ी दफ़ा वो भी जाते हैं, मरी भी जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि जब आपकी गवर्नमेंट हटती है उसके बाद एक तो मरी लावारिसा हो जाता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं, जो आप रिवाइव करके जाते हैं वो 5 साल में उसका तहस नहस हो जाता है, इसके हवाले से भी कोई पॉलिसी बना लें? देखिए जी, एक तो इट्स नॉट अ पॉलिटिकल शो, तो मैं आई वोंट डू दिस, और वैसे भी मेरी आप बताएं आप जानते हैं मेरी आदत नहीं है मैं किसी पर क्रिटिसिज्म करूँ, हर कोई शायद, लेकिन मैं पॉलिसी की बात जी कोशिश करते हैं शायद भलाई करने की लोग, मगर नहीं कर पाते उस तरह। हमें एक एडवांटेज ये है कि हमारी लीडरशिप का अपना बहुत इंटरेस्ट है मरी में, ये मतलब कि दे लव नेचर, दे लव फॉरेस्ट्रेशन, दे लव गुड वेदर, सो वो उस पर उसको कायम रखने के लिए बहुत कोशिश करें। नब्ते ना अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब का विजन है
कि अगर बाय करना है आप लोगों को बाय आउट करें, क्योंकि लोगों के साथ ज्यादती भी नहीं होनी चाहिए। अगर उनने देखे किसी ना किसी तरह कोई उनके पास लीगल वे आउट था तो उनने इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई थी, तो वी शुड नॉट थ्रो देम आउट ऑफ अ विंडो, वी शुड हेल्प देम आउट जी, और उनके लिए हम कोशिश करें वील बाय देम आउट जी, और फिर हम लेवल करके उधर फॉस्ट्रेशन करें। अच्छा, PHA फ्लावर्स का पूरे बैग्स बनाएगा कि एक आपका कल्चर रिवाइव वो जो मरी का था। और आपने जो बात की अभी इसी पे काम करें जी, कि एक पक्की पॉलिसी आए जिसके ऊपर काम करें कि कोई भी वो बायलॉज क्रॉस ना कर सके। क्योंकि बायलॉज हर बार जब अगर आप चेंज करेंगे, आप बताएं मरी में हर साल एक नया बायलॉ आ जाता है, वो फिर लोगों के लिए भी प्रॉब्लम होता है और हुकूमत के लिए भी प्रॉब्लम होता है। कोशिश करेंगे हमारे बाद जो भी भाई आए या कोई भी हुकूमत आए तो वो इसको ही फॉलो करें, एक ट्रेंड सेट कर दें कि आसानी हो जाए हमारे लोकल्स के लिए भी और अगलों के लिए भी। इंटरेस्ट है वो तो सेम है। अब मरी की बात, अब आप मरी जाएंगे, अब मरी की बात, जब रिवाइव हो जाएगा तो जरूर। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपको बता रहे हैं कि आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह ताला जरूर। मुझे याद नहीं मैं आखिरी दफा कब गई, क्योंकि लास्ट बहुत पहले की बात है। नहीं, हम उसको बाईपास कर देते हैं, भूरबन चले जाएंगे, नथिया गली चले जाएंगे, ऑल मरी, बट वो जो माल वाला एरिया है वो पूरा बहुत क्राउडेड है और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा, एक तो दुकानदार थोड़ा आपके साथ बड़ा हार्श होते हैं। बैक इन द 90s तब क्राउड कम हुआ करता था। अभी घूमने फिरने की बात आई गई है, आर यू गोइंग समवेयर विद योर फैमिली? Oh, I'm planning to take my kids to Mari. अच्छा, मैं तो अपने बच्चों को मरी लेके जाती हूँ twice, thrice a year. मैं अपना hostel लेके जाती हूँ उनको. मैं तो अगर मरी ना जाऊँ for some time, I start missing it. I spend my childhood there. Yeah. पूरा 90s, like grade third में सोचो इतनी सी बच्ची होती थी. उनका बचपन गुजरा है ना? और मैं अपने बच्चों को जाके दिखाती हूँ कि ये मेरा हॉस्टल है, मैं यहाँ पे रहती थी, ये मेरी डॉर्म थी. और फिर वो परेशान, मामा नाना पा के बगैर आप यहाँ रहती थी कैसे? मैंने कहा बस रहती थी, एंड आई मिस दैट मरी. उस वक्त जो माल रोड थी हमारा, तो पूरा वो होता था कि कब फ्राइडे आएगा, तब छुट्टी फ्राइडे को होती थी. कब फ्राइडे आएगा और हम माल पे जाएंगे, और इतना हम कन्वीनियंटली वहाँ फिरते होते थे. अब इट हैज बिकम क्राउडेड विद चाइल्ड, इट्स ऑलवेज द मेमोरीज दैट आई जस्ट लव इट. तो नथिया बच्चों को मरी, आप इंडी पॉइंट पे जाती थी, आपको नजर आता था. एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है हमारी, लाइक ऑफिस की जो बिजनेस की एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, वो हमेशा मरी या नथिया में होती है. वी मेक इट अ पॉइंट, लाइक वो हो ही नहीं सकती, हालांकि वी नॉट रिलेटेड रिलेटेड टू मरी. क्योंकि इस दफा बहुत ट्रिप्स हो चुके हैं, तो आई जस्ट वांट टू बी इन पाकिस्तान और अपने घर पे. मेरा दिल है कि बस छुट्टियां, कोई ट्रिप नहीं, छुट्टियां मैं बिल्कुल अपने घर पे गुजारूं और बिल्कुल कहीं कहीं ना जाऊं. ये दो तीन दिन जस्ट जो मिल ली हैं बस बहुत हैं. अच्छा, आई वुड टू और मुझे शौक है घर पे रहने का. माय किड्स वांट टू गो टू बाहर, मेरा शौक होता है मैं मैक्सिमम टाइम घर पे रहूं. आई टोल्ड देम कि अब इस दफा पाकिस्तान देखो, इस दफा नॉर्दर्न एरियाज जाओ, लेट्स गो नथिया गली से थोड़ा आगे. हिम्मत करते हैं, बिकॉज़ आई एम अ सिंगल मॉम बेसिकली ना. तो फिर आई प्लान विद माय किड्स कि मैं कहां, ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं अकेली उनको लेके जा सकती हूं. नो, ऑब्वियसली विद द ड्राइवर. अच्छा, वो मैंने सारा एक्सप्लोर कर लिया. बट आई डू वांट, तो मेरा भी होता है कि छुट्टियां होती हैं, कोई भी वेकेशन आता है, मुझे होता है घर पे बैठूं, अपना नेटफ्लिक्स पे कुछ सीजन देखूं. पूरा पाकिस्तान जा चुकी हैं आप? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट. अच्छा, सॉरी, एक क्वेश्चन, आई वांट यू गाइस टू रिकमेंड मुझे अपने बच्चों को नथिया से आगे कहां जाना है. जी, जहाज बांडा, चाइना बॉर्डर, सारा कुछ देख लीजिए. मरी और नथिया के अलावा कौन सी ऐसी सेफ जगह है जहां मैं अकेली अपने बच्चों को लेकर जा सकती हूं? शारान फॉरेस्ट, आई गेस. शारान फॉरेस्ट वगैरह जा सकती हैं आप. वो मरी से तो बात, शारान फॉरेस्ट, यस, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल. अच्छा, एक और बहुत अच्छा है, कराची वाली साइड से जब आप जाते हैं कोस्टल हाईवे पे, बलूचिस्तान, जहां प्रिंसेस ऑफ होप है, और वो सारा हम लोग स्टार गेजिंग के लिए एक दफा गए थे वहां पे. अभी बलूचिस्तान के बीचेस आपके रहेंगे, वहां पे चले जाइए, वो भी देख लिए. सर, आप कोई टाइम निकाल सकते हैं वैसे ट्रैवलिंग के लिए? वो भी देख लिए. वैसे हम मरी वाले ट्रैवलिंग तो बहुत कम करते हैं, ये हमें मानना पड़ेगा. मेरी ट्रैवलिंग वैसे ही बहुत है जी, मगर पाकिस्तान स्पेशली मतलब फैमिली के साथ कुछ प्लान ईद के ऊपर इम्पॉसिबल है जी. आपको हमारा पता है अभी भी यहाँ है, तो इसके बाद कहीं और है, और ईद तो ज्यादा बिजी हो जाती है. Exactly. जो आपके इलाके के लोग गांव में आए तो उनको मिलना पड़ता है, उनके घरों को जाना पड़ता है, मुश्किल हो जाता है, मगर कोशिश कर रहे हैं कि टाइम निकाले किसी तरह. तो आप अभी हल्के में ही टाइम गुजारने जा रहे हैं? जी, जहरी बात है जी, वो लोगों की उम्मीदें हैं कि हमारे साथ होगा, क्योंकि मेरा हल्का काफी बड़ा है जी. चार चागी के बाद सबसे बड़ा हल्का है, सबसे बड़ा हल्का है. हाँ, यस यस, मरी बहुत बड़ा हल्का है. यस, एक तरफ आप मरी, दूसरी तरफ आप कहोटा, तीसरी तरफ आपने कलर जाना है. Yes. मेरा हल्का बेसिकली सिंपल कर लें जी, गुजर खान से शुरू होता है जी और खत्म होता है कश्मीर के ऊपर जाके. सर, कश्मीर के 12 रास्ते हैं, 11 मरी से जाते हैं, आप देख लीजिए. यस, वाओ, एक एप्टाबाद से जाता है. रियली? हाँ, इतना बड़ा हल्का है वो.
मरी की बात आज पता नहीं जो भी लोग हमें देख रहे हैं उनको लगेगा कि बायस मरी की बात की नहीं हमें जब मरी हमें बायस एक्टर्स बोलेंगे मैं चलो गाइस देयर इज नो बायस ये मेरी बात सुनिए वी आर प्रमोटिंग आपको मोटिवेट कर रहे हैं मरी जाने के लिए हमने ना 3 दिन मरी के हवाले से कोई बात नहीं की लेकिन आज डेफिनेटली जब मरी के एमएनए आए रिप्रेजेंटेटिव है वहां के उनसे ये भी हम पूछ सकते हैं कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट करें बल्कि उन्होंने खुद बता दी तो इस वजह से हमने टॉपिक छेड़ा है। अच्छा नो डाउट ये तड़प भी ऐसी है निमरा जब बचपन में हम लोग जब भी वेकेशंस होती थी और जो भी हमारे रिश्तेदार आते थे कराची से भावलपुर से लाहौर से तो उनको होता था मरी जाना है तो हाँ। बकायदा एक पोस्टर बुक होती थी और उसमें सारे खाने घर से बनते थे और सारा ले जाके यहाँ पे बिरयानी पुलाव और वो कस्टर्ड ट्राइफल्स और पता नहीं क्या कुछ वो चादरें बिछा के वो पिकनिक का माहौल अब खत्म हो गया है मरी में totally. अब उस तरह आपको पिकनिक्स नहीं नजर आती हैं कहीं पे भी अच्छी जगह पे जहाँ पे आपने लश ग्रीन देखा गाड़ियां रोकी वहां पे चादर बिछाई फिर खेले बास्केटबॉल भी लेके चले गए अपने बैडमिंटन रैकेट्स भी वो वाला बचपन अब वो वाला नजर नहीं आता वो बचपन है बच्चों को मैसर भी नहीं इसीलिए तो हमने उसामा से रिक्वेस्ट की है मौके का फायदा उठाते हुए कि प्लीज उसको बहाल किया जाए जी आपको पुराना मरियम कोशिश तो पूरी है हमारी बाकी अल्लाह का मेहरबानी मॉडर्न वर्ल्ड बनाने के लिए ना पाकिस्तान के पूरे 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 खत्ते पड़े हैं सब कुछ पड़ा है इस्लामाबाद वगैरह हर जगह पे करे लेकिन जो हमारे फॉरेस्ट वगैरह है ना उनको वैसा ही रहना चाहिए रहने दें और वहाँ के कल्चर को भी इसी तरह रहने दें ताकि अगर कोई बाहर से आता है ना टूरिस्ट आता है तो वो जाके वहाँ पे उस ब्यूटी को एंजॉय कर सके। पता है कि अभी मैं काफी जब हुंजा की बात पूछ रहे थे तो मुझे मैं ट्रेवलर हूँ मुझे बहुत शौक है ट्रेवलिंग का इसीलिए मैं कह रही हूँ छुट्टियां मैंने घर पे गुजारी बहुत ट्रेवलिंग हर मुझे बस कोई जगह पता चल जाए मुझे क्यों कहते घूमने चलना है मैं उठ के चल पड़ती हूँ सब काम साइड पे घूमने फिरने का इतना शौक है बट हमारे जो लोग जाते हैं ऐसी जगहों पे रैपर्स फेंक देंगे जूस के डब्बे फेंक देंगे बोतलें फेंक देंगे बीचेस पे जाओ तो टूटी हुई बोतलें पड़ी होती हैं पैर कट जाते हैं लोगों के अगर आप साहिल पे चल रहे हैं तो खुदा का वास्ता अपनी जगह को अपने मुल्क को साफ रखना शुरू करें हम ही नहीं साफ रखेंगे तो बाहर वाला कौन रखेगा आप कहीं मैं चाइना बॉर्डर तक चली गई वहां पे भी आपको गंद नजर आ रहा है ईद पे तो ऐसा मतलब स्पेशल लगता है जाते हैं गंद फेंकने के लिए हां ओह माय गॉड और जहां से हर जगह पड़ी स्मेल स्मेल ब्लड को ख्याल दे दें डोनेट कर दें अल्लाह का वास्ता किसी इदारे को दे दें खा लें और उजड़ियां खुदा का वास्ता सड़कों पर मत फेंका करें इतना गंद इतनी मक्खियां इतनी बदबू होती है अगले पूरा एक हफ्ता पूरी हर जगह पे कल भी ये प्रोग्राम में जिक्र किया था कि जब हम एक सुन्नत ही चलें सही या कोई अल्लाह ताला की रजा के लिए या कोई सेलिब्रेशन हम कर भी रहे एक चीज करते हैं 10 साथ उसकी खराबियां भी छोड़ाते हैं और ये सोचते हैं कि हमने बड़ा कोई मार्का मार लिया और हमने सब कुछ अचीव कर लिया ये भूल ही जाते हैं कि वो जो 10 खराबियां करके आए उनका भी जवाब देना और ऐसे ही टूरिस्ट भी करते हैं खासतौर पर ईद के मौके पे अभी ईद का मौका है तो बात करने का मकसद यही ज्यादा रश होती है लोगों को थोड़ी गाइडेंस मिल जाए आप किसी भी तरफ चले जाए लगता है पाकिस्तान का काम ही कोई नहीं है पाकिस्तानी जो है ना वो आपको रोड पे और जंग जैसा समा बना लेते हैं हमारे पास क्या एंटरटेनमेंट है हमारे पास तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं है एम्यूजमेंट पार्क हमारे पास नहीं है कोई वाटर पार्क हमारे पास नहीं है थीम पार्क हमारे पास नहीं है कोई मूवीज हमारी अच्छी बन नहीं रही हैं मतलब किस जगह जाके पैसे खर्च करें घूमने के अलावा है क्या हमारे पास हाँ तो चलिए वो कचरा करते वैसे मूवीज तो आ जाती है एक दो वैसे वो भी देख लिया जाए मूवीज आ रही है ना देख आ रही है लेकिन आप एक नॉर्मल इंसान एक आवाम के तौर पे सोचेंगे उसने 5-6 हज़ार रुपए खर्च करने अपने बच्चों को लेके जाना है पॉपकॉर्न भी खरीदने सारा कुछ वो देखेगा कि वही जो टीवी के स्टार्स हैं वही फिल्मों में आके बैठे हैं तो उसका कोई चार्म ही नहीं रहता दुनिया भर में टीवी के स्टार्स और फिल्मों के स्टार्स अलग होते हैं एंड अगेन वही वही आपको चेहरे नजर आ रहे हैं तो आपने वही शाम में सारे चैनल्स पे देखने वही आपने बड़ी स्क्रीन पे देखना है तो मुझे दोस्तों फिर चार्म ही नहीं होता क्योंकि खुदा के लिए दोनों को अलग अलग होना चाहिए ना थोड़ा पहले देखते थे जी अब तो टाइम नहीं होता अब तो मूवी का नाम भी सुन से पहले जो है आप बड़े हो जाएंगे ना आप मूवीज देखते हैं ये प्रॉब्लम आप जो है वो ट्रैवल भी नहीं करते करते हैं ये प्रॉब्लम नहीं ट्रैवल तो आप करते होंगे लाहौर जाते होंगे कराची जाते होंगे जिस तरह चाइना के उधर जाते होंगे लेकिन निकलना चाहिए चाइना हम गए तो वी यूज्ड टू वेक अप एट 6:30 and we used to sleep at 11 o'clock at night aur us sab meetings ye to bada acha schedule hai vaise lekin wahan bhi ek badi zabardast cheez aayi thi wo hina parvez dil bana ke jo hai na wo kuch likh rahi thi nahi nahi meeting mein wo asal mein wahi aise kisi chale aaj clear kar de aaj clear kar de you have she was sitting next to me ji ek banda chhod ke mere sath jo sab baithe the kashmir se taluq rakhte people's party ke aur unke sath hina baithi thi hina was trying to write chinese ji उसको किसी ने बताया कि चाइनीज लिखने की कोशिश करो वो दिल नहीं लिख रही वो लाइंस मार रही है और वो थी चाइनीज में और वो लिख रही है। सामने एक लफ्ज लिखा था वो कॉपी करने की कोशिश कर रही है हिना और मगर वो हिना की कैपेसिटी इतनी नहीं थी जब मैं होता शायद मेरी भी ना होती तो मुश्किल था मतलब चलो शायद मैं चाइना रहा हूँ तो मुझे पता है क्या करते हैं मगर उसको आइडिया नहीं था वो क्या कर रही है वो एक फोटो आ गई वो हमारी एक मुखालिफ जमात है उनने जूम इन करके कहा जी ये
पता नहीं वो फोटो के लिए क्या एक्ट हो रहा है तो हमारे और वो हमारे ही एक भाई है उसने ऑपोजिट साइड से खींची लाइक रैंडम पिक्चर क्लिक की और उसने वो पोस्ट कर दी हिना ने फोकस हो गई नाम ले सकते हैं उन भाई का आप कुछ भी करिए सेव नहीं है वो हमारे एक एमपीए सलमान है मुल्तान से उसने ली बिकॉज हम सारे कोलीग्स हैं इस तरह आप बैठे हैं टेंशन नहीं होती इस चीज की उसने पिक्चर ली उसको पिक्चर अच्छी लगी उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर चाइनीज में लिख रहे हैं बड़े और उस वक्त आपने नहीं सोचा होता इट हैपेंस रैंडमली द नेक्स्ट मॉर्निंग यू वेक अप एंड यू फाइंड आउट कि इवन इवन कई बार ऐसे तो आप कोई प्लान करके कोई चीज कर रहे थे वो वायरल हो जाती है बिल्कुल फ्लॉप जाती है और नहीं डालता हां बिल्कुल जैसे बदोबदी असल में बदोबदी आपको पता है वो केपॉप वगैरह भी वो गाव आ रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं बदोबदी एना इज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया शी इज तो प्रॉब्लम भी है लोगों को गुड ऑन सोशल मीडिया तो लोगों को इशू भी है उससे तो वो उस वजह से कोई चीज अच्छी भी हो लगती है कोई बुरी भी लगती है आपसे ज्यादा तो हमने उसका मजाक उड़ा कि हमें पाकिस्तान से बहुत कॉल आ रही है उसको कहा है ना कि यार अब तुम हम 10 लोग हैं इधर हमें पता है क्या हुआ मैंने कहा वी कांट हियर एनीबॉडी आउट पब्लिसिटी इज अ पब्लिसिटी ये भी इसको पॉजिटिव लेना चाहिए हमेशा लेकिन यू हैड अ फनी स्टोरी आई हैड अ फनी स्टोरी अबाउट बदू बदी अ फ्यू डेज बैक देयर वाज अ यार वैसे गा दीजिए उधर आप ढोलक हो रही है वो एम्प को कुछ हुआ एकदम द म्यूजिक वेंट ऑफ एंड देन वो कॉल करना था बंदे को किसी तरह फिक्स नहीं हो रहा था सो एवरीबॉडी सेड क्या करे द होल हॉल स्टार्टेड बदोबदी हाय हाय एंड इन लाइक फुल ट्यून में और हमने कोई कितनी देर वो गाना गाया खुद सुर में नहीं बजा ली So the point is the Badubadi is such a big hit and iski farmaish pe yeah we can sing it why not yes we can oh please seriously meri chai bhi aa gayi ye start hi hi se hota hai nahi Badubadi Badubadi hi hi yeah hi hi hoy hoy okay itna badzauk music ko promote na kare thi hi nahi bechari ki nahi kar rahi mehnat ki hogi yeah mehnat ki nahi kis bechare mein she is just an entertainer entertainer he is not a singer he is not a singer he is also the first class cricketer हाँ मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी वो भी तो बड़ा था योर आईज माय आईज वो सिर्फ एक एंटरटेनर है ही इज एंटरटेनिंग पीपल नथिंग मोर वो म्यूजिक तो है ही नहीं वो सिंगिंग तो है ही नहीं ये तो हमें खुद भी पता है जैसे लोग उसको प्रमोट करेंगे तो वो प्रमोट नहीं करेंगे लेकिन वो आपका कितना एयर टाइम ले रहा है ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है इतना हमने किसी को डिस्कस नहीं करें हर थोड़े बहुत हमें बदोबदी याद आ जाती है ही हैज मेड हिज पॉइंट एवरीबॉडी इज डिस्कसिंग हिम दैट इज हिज पॉपुलैरिटी एंटरटेनमेंट है वो वर्ड ऑफ माउथ है मैं एक दिन आया तो मैं क्योंकि इनको घर से स्काइप पे ज्वाइन करता हूं मॉर्निंग शो पे तो कोई क्रिकेट का मैच था तो मैं जब आया तो निमरा साहिबा कह रही थी जी कि बदू बदी मैंने कहा ये क्या है शी लाइक्स टू सिंग भाई मैंने इनसे पूछा यार आप क्या कर रही हैं तो इन्होंने कहा कि आप YouTube पे जाके सर्च करें तो प्रेम के बाद मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैंने जाके सर्च किया यार ये बदू बदी है क्या वैसे आपने सुना यू टेक मी दैट सीरियसली अब नहीं सुना मैंने अपने बेटे को गाते हुए सुना वो पता नहीं अजीब अजीब एक्शन से मैंने ये क्या तुम फजूल गाए चले जा रहा अच्छा मैं वो स्नैपचैट पे जाओ ना तो किसी रील के ऊपर आपने म्यूजिक लगाया तो बदोबदी आ रहा है मैंने उसको थोड़ा सा प्ले किया मैंने बंद कर दिया मैंने कहा ये क्या बकवास है फिर मैंने अली जफर की वो देखी ट्वीट देखी तो मैंने कहा ओह इतने मिलियन व्यूज माय गॉड जिनके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करते हैं 20 मिलियन प्लस लेकिन वो माइनस हो गया ना उसका सारा उड़ा दिया ना उन्होंने सॉन्ग क्या उसके पीछे काफी चीजें थी तो वो कॉपीराइट से मैडम नूरजहां के गाने के दूसरा वो जो खातून थी उनको 4,000 रुपए दिए थे और उसके 80,00,000 रुपए कमाई है वो यूट्यूब से ये कंट्रोवर्शियल भी रहा है ये कंट्रोवर्सी तो है उस पे अभी हम लोगों के पास बट नेवरथलेस एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दिस या या यस एवरीबॉडी उसने अपनी पॉपुलैरिटी उसको मिल गई है कुछ भी करते हैं मतलब बट ऐसी पॉपुलैरिटी ना बहुत टेंपरेरी होती है हां टेंपरेरी तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती वैसे चाहत फतेह अली खान लॉन्ग लास्टिंग है नहीं आई डोंट थिंक सो से वो जा रहे हैं ये जो प्यारा वो एंजल वाले कौन से वो एंजल वाले कौन से क्या नाम था ताहिर समथिंग ताहिर शाह या देखिए वो भी तो थे लेकिन गायब हो गया ना गायब हो गया बट स्टिल उनको जो चाहिए था वो ले लिया उन्होंने इसके अलावा आई टू आई समथिंग उसके सबसे पहले आया था अच्छा चलें वो तो फिर भी मुझे रीजनेबल इसलिए लगता क्योंकि वो एक्चुअली बेचारा लंदन की सड़क पे अपनी मछली बेच रहा था और वो गा के बेच रहा था वहां से मशहूर हो गया था बट ये तो खैर वायरल होने वाले लोगों का ना जो इस तरह की चीजें वायरल होती है इनका कोई आप
लॉजिक नहीं ढूंढ सकते इसमें, ये होता ही इलॉजिकल है. मतलब इफ यू एक्सपेक्ट लॉजिक चाट पत्ते लिखा जा रहा है, सोचा तो नहीं होगा ना इतने व्यूज जाएंगे. पता नहीं कोई अगर मुझे देख रहा है, मेरे रेसिस्ट कमेंट्स पकड़ लिए किसी ने, वायरल हो जाएंगे इंटरनेट पे. नो, एज अ नेशन हमारा प्रॉब्लम है, हम कभी चाय वाले को उठा देते हैं. हम टेंपरेरी जो है, जो चाय वाला, ही वाज अ हैंडसम गाय, एट लीस्ट ही वाज हैंडसम. चाय वाला, चाय गाय, वो आईज उसकी डिफरेंट थी और सारा कुछ मॉडल शॉर्टर बन गया. देखिए वो तो लक है ना, मैं यही तो कह रही हूं, रैम चाहिए इतने सारे टपाल का, पता नहीं किसका, सॉरी मैं नाम ले रही हूं. अभी इंडिया में भी लोग चाय बना रहा है, चाय चाय मधुमती भी आपने सुना, टाइम के साथ साथ बंदे की प्रायोरिटीज चेंज होती है. मगर आपने चाय वाले की बात की, आई नो हिम वेरी वेल. He owns 9 stores in Israel. Abhi do England mein stores khol raha hai. Yahan Islamabad mein bhi usko koi restaurant wagaira hai. He owns 9 stores in Pakistan aur do stores ab England mein bana raha hai wo. एंटरप्रेन्योर भी है थोड़ा, उसको सर पे कहते हैं ना फेमस फेम, उसके सर पे नहीं चढ़ा कैपकॉम और वो लगा रहा है. आपकी बहुत ज्यादा मसरूफियात हैं, तो आखिर में जाते जाते कुछ पैगाम देना चाहें तो प्लीज. यस प्लीज, प्रे, लव, लिव एंड लेट लिव. Oh, that's beautiful. That is my message. That is my message forever. Please pray, love, live and let live. Bas. मतलब कि I think ये this is what we need these days. जी और जीने दो. जी और जीने दो, लेकिन pray and love also and then. जी और जी और जीने दो in English. In अंग्रेजी, yes. ठीक हो गया. तेरा नाम का बहुत-बहुत शुक्रिया. Thank you very much. आपने हमारे साथ rapid fire नहीं खेला. आपके साथ खेलेंगे. और उसामा साहब नहीं जा रहे. अच्छा मैं बैठी ही रहूंगी, मैं बहुत फारिग हूं. मैं मेरे ख्याल कोई प्रॉब्लम नहीं, गेस्ट चेंज होते जा रहे, मैं बैठी नहीं हूं. फोन आ गए तो इनको भेज इनका कसाई मेरे ख्याल आज आ गया. बारह से पहले इन्होंने पैसे ले जी तैयार हो गई है. जान मार से पहुंच चुका था, आपने पैसे नहीं दिए. मतलब मेरी इज्जत के पैसे दे जाके कसाई. थैंक यू वेरी मच जाने के लिए. आई विल वेट फॉर यू एट द नेल स्पा. आई विल कम. थैंक यू सो मच. इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू. खवातीन उजात यहां पर वक्त हुआ चाहता एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का. स्टे विद अस. आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच की स्पेशल एपिसोड में. ईद का तीसरा दिन है और ईद मुबारक भी कहते हैं. गोश्त वगैरह आपने ब्रेक में खा लिया या नहीं खाया? जी अभी पड़ा हुआ है. तो क्यों नहीं खा रहे वैसे? अब जस्ट अ क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन. मैं उसामा साहब के साथ खाऊंगा. उसामा आप ये भी खा सकते हैं. जरूर खाऊंगा जी, हम शो के बाद दोनों खा लेंगे आराम से. अच्छा दोनों से क्या मुराद है? हम लोग नहीं खाएंगे. नहीं, मैं और वो अपनी गपशप करेंगे. ये देखिए ये ग्रुपिंग इज नॉट फाइन. ये बहुत पुरानी ग्रुपिंग है. ये ग्रुपिंग कर ली है आप लोगों ने. ये 2010 से. शुमाइल, आर यू फीलिंग लेफ्ट आउट? बहुत ज्यादा. हम लोग खुद कर लेते हैं. आप भी मरी से तो नहीं है? ऑल गर्ल्स इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं जुनैरा चौधरी. ये बहुत सारे काम करती है. ये एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, ब्लॉगर भी हैं. जुनैरा आपको खुशामदीद कहते हैं. थैंक यू सो मच. इतने सारे काम कैसे कर लेती हैं? आप अपना काम भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. अच्छा जुनैरा, आप इतने ज़्यादा काम करती हैं, मुझे ये बताइए कि ईद का दिन आपका कैसा गुजरा? मतलब ईद में कुछ कुकिंग भी करती हैं, किचन की तरफ भी जाती हैं आप?
नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मतलब एक काम आप नहीं करते। वन मोर, सिर्फ मैं विनर। सी आई टोल्ड यू दैट यू आर द विनर। मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि आप कुकिंग भी करती होंगी, मंडी में भी जाती होंगी, जानवर भी देखती होंगी, कसाई का जो है आप इंतजार भी करती होंगी। मैं कसाई का इंतजार किस तरह कर सकती हूँ, वो तो घर वाले ही कर रहे होते हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली इज देयर इज एनी फैसिनेशन फॉर यू इन दिस प्रोसेस, क्या गोश्त खाना पसंद करती हैं? ऑब्वियसली आई रियली लाइक। जानवर खरीदना? जानवर खरीदा बहुत बहुत कम ही हुआ है कि मैंने कभी कोई जानवर जाके खरीदा। ऑब्वियस जो घर आता है मैं सब करती हूं। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है जानवर खरीदना। जानवर खरीदने भी जाती हूं। जब कोई बताते हैं ना कि हम लोग जानवर लेने नहीं जाते, मुझे तो वो और अच्छा लगता है, बिकॉज़ आई लव एनिमल्स, तो मुझे वो पसंद करना, लेके आना, वो सब पसंद है। Everybody is different ना, आपकी तरह ये भी है, ये भी है। So you don't like के आप जाएं खुद से खरीदें और पसंद करें मंडी वगैरह में? Actually मुझे लगता है कि मंडी जिसमें जाना चाहिए, आपको लोगों को जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है मैं नहीं जा सकती हूँ। कुछ लोग डरते भी हैं जानवरों से, कुछ लोग अवॉइड करते हैं, तो मैं शायद मैं उस वक्त नहीं हूँ बंदी के लिए, मैं जाऊँ और मैं जाके जानवर खरीदूँ। तो ऑब्वियसली अब्बू हैं, भाई हैं, वो लोग जाते हैं, मर्दों वाला काम भी है ना सर। लेकिन पूछते जरूर हैं कि बेटे हम ये लेने जा रहे हैं, क्या करें, गाय लें, बकरा लें, क्या करें, तो ऑब्वियसली उसमें तो मेरी कंट्रीब्यूशन होती है। आप ये एक्टिविटीज किस तरह करते हैं? मतलब अगर आपको एक जानवर खरीदने का शौक है तो आपको अगर मंडी जाएंगे तो वहाँ पे भी लोग जानने वाले होते हैं, फिर उसको खरीदना, इसीलिए वो नहीं जाते। ये प्रोसेस फिर क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, ये इन चीज़ों से मुझे कभी जी फर्क नहीं पड़ा मुझे। अच्छा, आप जाते हैं मंडी? हाँ हाँ, अभी 3 दिन पहले मैं एक जगह बैठा हुआ था, बड़ी ऑकवर्ड सी जगह थी, एक ऐसी जगह थी, मुझे बंदा कहते हैं आप MNA हैं, मैंने कह रहे हैं MNA हूँ, मैं इंसान भी हूँ, मेरी भी कोई लाइफ है, दोस्त हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये अगर आप इन चीज़ों में डल जो जाएँ, फिर आप अपने लोगों से कट जाते हैं, फिर आप एक बबल में रहना शुरू हो जाते हैं। मेरे ख्याल इन चीजों में आपका कभी तो जो आप अगर MNA है या आपके पास कोई भी ओहदा है ना, तो जब आप उस जोन से बाहर निकल के खुद को अलग ट्रीट करना शुरू कर दें, लोग आपको प्यार नहीं करते। अब वैसे भी पॉलिटिशियंस जो होते हैं, आप अगर MNA बने तो लोगों के प्यार की और उनकी वोट की वजह से बने, तो आप उन्हीं से कटेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप नहीं बन पाएंगे। तो ये तो बहुत स्ट्रेट फैक्ट्स है ना, इनको तो डिनाई कर ही नहीं सकता खासतौर पर कोई पॉलिटिशियन। इसलिए जी अब हम अपने ग्रास रूट के साथ जुड़ के रहते हैं। हाँ हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज है कल नहीं है, कोई पता नहीं होता वक्त का, तो इसलिए बेहतर होता है बंदा धीमे मजाज से और उसी तरह रहे जैसा पहले रहे। हाँ, आप लोगों को तो वोट भी चाहिए होता है सियासतदानों को, फिर तो वो जब तक आवाम की खिदमत नहीं करेंगे, उनमें घुलेंगे मिलेंगे नहीं, ईद खुशियाँ दुख उनके साथ नहीं बांटेंगे। तो वोट अब हर चीज नहीं होती जी, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन बड़ी जरूरी होती है कि मैंने अपना मार्क अचीव किया या नहीं किया। अब मेरा मार्क था कि जैसा आप भी मरीज से ताल्लुक रखते हैं, कि मैं भी देख रहा था कि सुन रहा था यूनिवर्सिटी बनेगी, हॉस्पिटल बनेगा, मसाइल yes. वही ना, आप जब उन मसाइल को केटर करते हैं, क्योंकि मेरा इलेक्शन, ये असनैन भी बैठे हैं, भाई है मेरा जो इलेक्शन लड़ा भी वो सब यंग बच्चे बच्चियों ने लड़ा, दे वर वेरी काइंड, और तो उनकी सबसे पहले डिमांड मेरे से ये थी कि वी नीड अ यूनिवर्सिटी एंड वी नीड अ हॉस्पिटल जी। और अल्लाह ने किया, 4 महीने में कर लिया हमने चीज वो टारगेट। बाकी रोड्स भी बनती हैं, हर चीज़ बन जाती है, ये बुनियादी हक है हमारे लोगों का, ये होना बड़ा ज़रूरी था, अल्लाह ने वो दे दिया, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। अच्छा उसामा, मेरा सवाल वहीं पे रह गया ना, आवाम सुनना चाहती है ना कि एक यंग एंड डायनामिक जो हमारा MNA है वो मंडी में भी जाता है, जानवर भी पसंद करता है, उसको लाता भी है, ये सारा प्रोसेस करते हैं आप अभी भी? अभी भी करते हैं जी। अच्छा। अभी कर रहे हैं। अच्छा। अभी जिस तरह अभी ये आपका शुरू हुआ तो मैंने इफ्तिताह किए 2-3 मंडियों के। अच्छा। और उधर फिरते हैं, देखते हैं अभी आपका F9 में बहुत टेंट पैकिंग शानी शाह वगैरह ने कराया, इट वॉज अ वेरी गुड फंक्शन, उधर बैठे रहे क्योंकि हमारे अपने क्लब्स भागते हैं, दोस्त हैं हमारे बहुत जो नेजाबाजी बहुत अच्छी, उनके पास जाके बैठ रहे। ये एक MNAship इज अ टाइटल जी, मगर वो एक जो स्पेस होती है आपके अपने लोगों की, वो कभी फिल नहीं करने देनी चाहिए, लोगों के साथ इंडल्ज रहना चाहिए, और इसी तरह आपकी सक्सेस होती है, वरना आपने एक हमारी तरफ मशहूर है बदली गया वो लाइन जिस दिन आप पे लग जाए तो आप यू डन, तो इसलिए अल्लाह करे वो लाइन कभी ना लगे। तो कुर्बानी का जानवर भी खुद खड़े होके कटवाते हैं? नहीं वो मैं नहीं, वो मेरे से छोटे भाई हैं, वो मेहरबानी करते हैं, ये काम मैं जरा अच्छा, खराबा जरा नहीं करता जी, वो अब्दुल्ला करते हैं, अब्दुल्ला करते हैं। जुनैरा आप, हम लोग इससे पहले जब अब बहुत हो गई बात जानवर की, अब कुछ बात कर लेते हैं। उसामा से पूछा नहीं था, क्योंकि आवाम जानना चाहती है, हर बंदा उसामा के साथ मिल नहीं सकता, ऐसा ही है, जो इनके फैंस होंगे चाहने वाले होंगे वो जानना चाहते हैं उसामा साहब क्या करते हैं। अभी हमारी रेटिंग मरी से सबसे ज्यादा आ रही होगी। ईद के शो की बेसिकली असेंस यही है कि जिस तरह शुमाइला है, जुनैरा है, इनके जो फैंस हैं या उसामा के फैंस हैं, वो ये जान सके ये पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, ईद कैसी गुजारते हैं। आपको पता है हमारे शो की सबसे ज्यादा रेटिंग मरी से आती है,
जी मेरा ख्याल है, मुझे सुनने में आया ऐसा ही होता है और इस मेरा ख्याल है शो की ज्यादा हो जाएगी अभी आप भी बैठे हैं, आप भी हमारे साथ हैं और हमने इतना खुल के जिक्र भी कर लिया है। जुनैरा, आपने फैशन ट्रेंड्स के हवाले से अभी ईद पे क्या बताया, आप इन्फ्लुएंसर भी हैं तो क्या बताया अपने फॉलोअर्स को? मैं तो क्योंकि गर्मी है तो लाइट सी अच्छी सी ड्रेसिंग करें, कोई भी लाइट सी ज्वेलरी पहने, लाइट सा मेकअप करें। मैं बिल्कुल भी इसको नहीं करती कि आप बहुत हैवी हैवी हम पहन लेते हैं जिस तरह आजकल आ रहे होते हैं, बिल्कुल इजी हो, कंफर्टेबल हो, अच्छे हो, ट्रेंडी हो, जिसमें आप प्रेजेंटेबल लगे और सबसे पहले कंफर्ट हो। मेरे लिए तो हमेशा कंफर्ट होता है, जो भी मैं पहनूँ उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ और मैं इजीली मैं बाहर भी जा सकती हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ भी, और घर में इतने सारे गेस्ट आ रहे होते हैं ईद के दिन पर, आप कुकिंग कर रहे होते हैं, स्पेशली अम्मी कर रही होती हैं, हम लोग तो सिर्फ डांस सेटअप कर रहे होते हैं। तो ट्रेंड अकॉर्डिंग टू मी मेरे ख्याल से ये कि आप अच्छे कलर्स पहने, लाइट लाइट कलर्स पहने, तो वैसे भी गर्मी है, आप इस तरह कुछ हैवी पहनी हैवी चीजें अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं आप, शुमाइला ने इसीलिए इतना अच्छा कलर पहना है अकॉर्डिंग टू गर्मी। ये नहीं देख रही थी कि व्हाइट कलर तो हमेशा से ही आंखों को सूदिंग लगता है, कोई कोई सा भी शेड हो, कितने भी व्हाइट कपड़े कम होते हैं, कम होते हैं है ना, व्हाइट का हर शेड कितने भी हो जाएं कम होते हैं। अच्छा, हमें एक रिक्वेस्ट चाहिए आपकी तरफ से भी, आप ब्रेक से पहले कह रही थी कि हमारे साथ आपने रैपिड फायर नहीं किया। बिल्कुल, तो सबसे पहले मेरे ख्याल उसामा से स्टार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उसामा साहब, आर यू रेडी? जी जी। अच्छा सर, पसंदीदा सियासतदान कौन है आपका? ऑप्शन जो मैं दूंगा उसे चूज करना है आपने, आसिफ अली जरदारी या मौलाना फजल रहमान? आसिफ अली जरदारी सर, इज अ गुड पॉलिटिशियन। पसंदीदा क्रिकेटर सरफराज अहमद या इमरान खान? इमरान खान। वाओ, उसामा इस फास्ट सर्वर ने पसंदीदा क्रिकेटर इमरान खान को बता दिया, मतलब कि ये इंसाफ करने वाले हैं, इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हैं ये। अच्छा सर, पसंदीदा अदाकार हुमायूं सईद या फिर फहद मुस्तफ़ा? हुमायूं सईद साहब। हुमायूं सईद। सोशल मीडिया या टीवी? टीवी। सोशल मीडिया डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। ओह माय गॉडनेस, डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ भी फेक न्यूज़, एक मिनट में उठ जाती है वो। सही। यस। रात की नींद या फिर दिन की नींद? रात की नींद अगर मिल जाए। अच्छा, पाकिस्तानी सियासत या सहाफत? पाकिस्तानी सियासत। सियासत? You like पाकिस्तानी सियासत? It's, you learn a lot, जी। अच्छा, मसाइल काफी हैं सियासत के, लेकिन अगेन वो तो हल किए जा सकते हैं। पाकिस्तानी पसंदीदा पाकिस्तानी मौसिकार? मैंने बताना है नाम, आप चॉइस नहीं देंगे मुझे? आप अभी बता सकते हैं। मैंने सुना एक कोई है नुसरत साहब को, यहाँ पे भी आप बहुत अच्छे हैं। He is good. एक तरफ तो आपने पसंदीदा क्रिकेटर बहुत अच्छा बता दिया, फिर नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान का नाम नहीं, वो मैंने इसलिए बताया, आपने मुझे चॉइस दिया, मेरे मुंह में वर्ड ना फिट करे, आपने मुझे दो चॉइस दी और उससे से मैंने बताया, उसमें मैं झूठ नहीं बोल सकता। नहीं मतलब कि ही इज गुड ना, तो आपकी चॉइस की तारीफ इज अ गुड, ठीक है, उन दोनों में से इज गुड। अच्छा सर, पिशावरी खाने या फिर लाहौरी खाने? लाहौर तो आप पिशावर, लेकिन पिशावरी खाने ठीक हो गया। पिशावरी खाने वही गुड। रहने के एतबार से कराची या लाहौर? इस्लामाबाद मेरा ख्याल है सबसे बेहतर है, मगर अगर उन दोनों कर रहे ऑप्शन, अगर इन दोनों में हो तो लाइफलाइन ले लें इस्लामाबाद। नहीं, इन दोनों में हो तो कराची इज मच बेटर, लाहौर इज टेरिबल दीस डेज स्मॉग और इन चीजों की वजह से। अच्छा सर, एक जुमला इन शख्सियत के हवाले से आपने बोलना है, कुछ भी बोल दीजिए आपके ज़हन में जो भी आता है। बाबर आजम एरोगेंट हो गए। बानी पीटीआई अल्लाह करे गलतियों से सीख ले। नवाज शरीफ has turned into a great politician. Shehbaz Sharif workaholic. Meera I don't know her. Resham I don't know her as well. Myra Khan I've heard about that. A beautiful lady. Okay. Hamayun Saeed please grow old. Ab aap kar dijiye. Shumaila ki taraf main hu. Ji ji ji, it's all yours. If you please allow. Yeah yeah yeah. बाबर आजम के लिए कोई एक लफ्ज? मोर प्रैक्टिस, नीड मोर प्रैक्टिस। मोहसिन नकवी फेमस नाउडेज? फेमस ओके। फजल जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स? या मैं अपनी मर्जी की बोल रही हूँ। अच्छा, मौलाना फजल रहमान? बड़ा मुश्किल है, इनके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, समझ नहीं आ रहा। He knows how to be in the news. Bilawal. Good politician. Myra Khan. Beautiful. Hani Aamir. Very elegant. Imran Khan.
ही इज माय फेवरेट क्रिकेटर. ओके वेरी नाइस. नवाज शरीफ. यस ही इज अ नाइस मैन. माहिरा खान. शी इज अ नाइस एक्ट्रेस. रेशम. रेशम शी आई थिंक शी इज ऑल्सो वेरी गुड एक्ट्रेस. मीरा के बारे में क्या परस्पेक्टिव है? शी वर्क वेरी हार्ड फॉर दी एक्टिंग एंड फॉर हर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स. फहद मुस्तफा या हुमायूं सईद? हुमायूं सईद. सोशल मीडिया या टीवी? सोशल मीडिया डेफिनेटली. आई डोंट वॉच टीवी. फेवरेट सिंगर कौन है? आतिफ असलम. अच्छा अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होते तो आप क्या होते? बिजनेसमैन होते. अच्छा अभी बिजनेसमैन नहीं है? अभी भी हूँ मगर अब तो आप मेरे पास टाइम नहीं होता. छोटा हाँ. भाई ज्यादा देखता है चीजें. अच्छा दैट्स वेरी नाइस. अच्छा सियासत में बाय चॉइस आए या फिर आपको खुद भी शौक था? शौक इस तरह था जी कि आपको पता है हमारे घर का ब्रॉट अप कैसा आपका है. तो यस हम बचपन से ही देख रहे थे एक चीज. वालिद साहब को, चाचा हजरात को, सबको देख रहे थे. फिर अल्लाह पाक ने ऐसे सिनेरियो बना दिया कि आना पड़ गया. अपने बुजुर्गान जितने थे उनकी ख्वाहिश पे उनको उम्मीद थी कि अगर आप ने वालिद जैसे नहीं होंगे, उन जैसे 50% भी हो तो हमारा काम होता है. आप बताइए बड़ा साइड पे तो बाक अल्लाह पाक कोशिश कर रहा है. वो चार महीने में नज़र आना शुरू में मुश्किल था फिर अल्लाह पाक ने चला. सर उनकी जो मेहनत है वो 30-35 साल की है ना, तो वो 4 साल में तो आप मैच ही नहीं कर सकते. मरी का बहुत बड़ा नाम. कर ही नहीं सकते. उनका स्टाइल डिफरेंट था. इम्पॉसिबल है. दो जनरेशन अपनी लाइफ में उनका तो बहुत डिफरेंट था. पॉलिटिशियंस का बड़ा कम आपको डिफरेंट स्टाइल नजर आता है, वरना वो एक ही रिवायती अंदाज से चल रहे होते हैं. खासतौर पर पाकिस्तानी सियासत की बात करें ना तो थोड़ा रिवायती अंदाज होता है कि बस वो किसी दूसरे में बात कर ली. इस तरह हमारी पाकिस्तानी सियासत है. ये एक मिसकंसेप्शन है. अब हमारे PTI के कुछ नए MNAs हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, पीपल्स पार्टी के, हमारी अपनी पार्टी के. एंड फर्स्ट ये ज़रूरी है बताना है, वी हैव द यंगेस्ट MNAs. Yes, we do. And we have अभी जो हमारी PMLN की अभी टेयर चल रही है, हमारे पास 36-37% यंग MNAs है. और वो सारे हम आपस में बैठ के बात करते हैं और बड़ी अच्छी डायलॉग करते हैं. मतलब कोई बदतमीजी नहीं. ये एक रवायत थी पुरानी वो फिर मगर कुछ अभी भी आपको झलकियाँ नजर आती है. तनकीद में बदतमीजी में बड़ा फर्क होती है जी. अभी भी हम जब जिस तरह पहले दिन गए तो हम लोग देखना चाह रहे थे कि हम क्या सीखेंगे. पहले दिन तो हमने हर किस्म की गाली सीखी, हर किस्म का नारा सीखा. बट डिसअपॉइंटेड थे उस साइड से क्या, हम खुद भी सारे डिसअपॉइंटेड थे कि ये क्या हो रहा है. मगर वो एक असेंबली का ट्रेंड है कि ऑपोजिशन में जो होता है उसने हुकूमत को पहले दिन अच्छे लकाबात में वेलकम करना होता है. ये अच्छी ट्रेंड्स नहीं है, इनको ख़त्म करना चाहिए. तो कोशिश कर रहे हैं अपने इलाके से लेकर हर जगह चीज़ ख़त्म हो, हेल्दी डिबेट हो. अगर किसी की जात पे या आप किसी की करैक्टर पे या हर किसी की पर्सनल लाइफ है आप उसको उस तरह ना करें तो बेहतर होगा. उसामा कुछ आखिर में पैगाम देना चाहें? मेरा जी पैगाम सिर्फ एक ही, आजकल हर जगह मैं एक ही पैगाम देता हूँ कि अल्लाह पाक हमें इतनी खूबसूरत ईदें दे रहा है माशाल्लाह. और हमारा तो फिर भी मुल्क के हालात बहुत बेहतर हैं मगर आप पता है मुल्क मुश्किल में. अपने से नीचे वालों को याद रखें ईद पर, और सबसे ज़्यादा इन ईदों पर आप अपने कश्मीरी बहन भाई और गाज़ा के बहन भाइयों को याद रखें और जो हो सके उनके लिए करें. बिकॉज वो एक मेरे ख्याल है हक और सच में मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं अपने हक के लिए. और हम सबको चाहिए हम उनके लिए मदद करें. शुमैला आप कुछ पैगाम देना? मैं इनकी बात को सेकंड करूँगी फ़लस्तीन के हवाले से. बहुत तकलीफ़ होती है जब आप वो वीडियोज़ देखते हैं सारा कुछ, तो बींग अ मदर बहुत तकलीफ़ होती है बच्चों के साथ. तो हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए. हम और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम हम दुआ कर सकते हैं. एक कमज़ोर जहाद सबसे यही है कि हम दुआ कर सकते हैं. हम अल्लाह ताला से कुछ लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखती हूँ कॉलम्स वगैरह लिखती हूँ तो मैं लिखती हूँ. तो कुछ तो अपना एफ़र्ट इस तरफ करें. बाकी पाकिस्तान के लिए आप होपफुल रहना चाहिए. जो ये लोग बात करते हैं पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान फारिग हो गया है, पाकिस्तान ख़त्म हो, प्लीज़ खुदा के लिए ऐसी बातें ना किया करें. हमारी जनरेशन ने इसी मुल्क में पैदा होना है. यही सुनते आए बचपन से. हाँ, और ये हम बचपन से मेरे बाप भी सुन रहे थे जब वो माइग्रेशन करके आए थे, और उसके बाद से हम सुन रहे हैं. पाकिस्तान हमेशा रहेगा, कायम रहेगा, और अल्लाह ताला इसको हमेशा कायम कायम रखे. आमीन. इन लोगों ने तो बहुत सीरियस बातें की हैं. मैं तो यही बात कहूँगी कि ईद का मौका है और खुश रहें, खुशियाँ बांटें डेफिनेटली, और अपनी सेहत का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें,
और ये भी सीरियस मैसेज है वैसे, थैंक यू सो मच। और खाएं, जरूर खाएं, लेकिन इस तरह से खाएं कि आप बिल्कुल सेहत और तंदुरुस्त रहे, ना कि ईद के बाद आप बीमार हो जाएं। खाना है, फाड़ना नहीं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बर्दाश्त किया। हसनैन आपका बहुत शुक्रिया, हसनैन आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे ईद एपिसोड में आए हमारे साथ और रौनक बख्शी हमारे इस महफिल को। बहुत अच्छा लगा आपके साथ भी, और इजाजत हम तो मिलते रहेंगे। एबीएन न्यूज हमारा घर है जी, आप सबने भी एबीएन न्यूज देखते रहना है। हमारी ये जो स्पेशल एपिसोड्स आ रही हैं सबकी सोच के, इसके अलावा न्यूज डिपार्टमेंट भी शानदार किस्म की न्यूज ईद से रिलेटेड भी आपके पास लेके आता रहेगा। सो एबीएन न्यूज देखते रहें, हमें इजाजत दें फिलहाल। आपको इजाजत दे दें, वैसे मैं शाम 5 से 6 लाइव हूं। हसनैन को भी देखते रहें, हसनैन का प्रोग्राम भी लाजमी देखिएगा। इजाजत चाहते हैं, सेलिब्रेट करें ईद अपनों और अपनों का ख्याल भी रखें और अपना भी ख्याल रखें। अपनों और अपनों के साथ, हाँ, ईद मुबारक जी, अल्लाह हाफिज़।